याद बहु याद बहु Thank you.
गुरुजी हमारो अंतर्नाद। हेलो, एक ताड़ी थी गुरुदेव ने, ताड़ियों ना नाच साथे स्वागत करिए। आगम वचनानु छेल्लू सेशन ताड़ी ना नाच साथे। सामूहिक गुरुवंदन बधा साथे करीशु। इच्छामी खमासमणो वंदियुं जामणी जाय निस्सीहियाय मथेण वंदामी। इच्छामी खमासमणो वंदियुं जामणी जाय निस्सीहियाय मथेण वंदामी। इच्छकार सुहदेवसी सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वो छोजी भात पाणीनो लाभ दिशो जी। इच्छामी खमासमणो वंदियुं जामणी जाय निस्सीहियाय मथेण वंदामी। इच्छा कारण संदीक सह भगवान अभूट्यो मी अभ्यंतर दिवसीय खामे सुखशादा साहब जी। इच्छामी खमास मणो वंदे जानी जानी सिही आए मथेण वंदामी। इच्छा कारण संदीप साहब भगवान बायणा संदीप साहू इच्छा इच्छामी खमास मणो वंदे जानी जानी सिही आए मथेण वंदामी। इच्छा कारण संदीप साहब भगवान बायणा लेशु इच्छा इच्छामी खमास मणो वंदे जानी जानी सिही आए मथेण वंदामी। इच्छकारी भगवान असाय करी बायणा प्रसाद करशो जी। मंगलान जत बेरी मडम वै मंगलम नमो दुर्वार रागदि वैरिवार निवारिने अरहते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीव जोनी वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जग पिया मोह वैव जय सुवाणम भवो तिथराण अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाण जय महात्मा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कल्याण पादपारमं श्रुतं गंगा हिमाचलम विश्वंभुज रविम देवं वंदे श्री ज्ञातनंदनम अज्ञानतिमिरांधनम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आगम वाचना दिवस त्रीजो सेशन बीजू उर्फे अथवा बीजी रीते कही है तो आगम वाचना छिल्लो दिवस छिल्लू सेशन। हजी तो जाने हमणा शुरू थई छे अने आ त्रण दिवस नी यात्रा में शुरुआत में मैं बात करेली कि आपणे एक नानकड़ी यात्रा पर जवू छे। मुंबई थी कोई आया हो कोई बीजा अलग अलग प्रदेश थी आया हो तो यात्रा की शुरुआत कर आया था पर एक कदाच जर्नी अपनी फक्त एक ट्रेननी थी पर त्रण दिवस अँ बधाज एक जर्नी पर जई रहा छे। आ कदाच आपणू छेल्लू माइलस्टोन जेवू कही शकाय आ त्रण दिवस की आगम वाचना जर्नी में आ छेल्लू सेशन। अने आ जर्नी ने एटली बधी सरस यादों है जेटली पड़ो है आपने कदाच एम थाय गुरुदेव जे डेफ्थ में लई जाइ रहा है अपने एम थाय कि कदाच कदाच हूँ बधा वती कहते हूँ तो एम लगे कि आगम ग्रंथों ने अपने पूज्य मान्या छे अपने वंदनीय मान्या छे आगम ग्रंथों ने आजे जाणवा मळ्युं छे
આગમ ગ્રંથમાં શું ઊંડાણ છે અને કેટલું ક્લેરિફિકેશન કરી શકે છે, અલગ અલગ વસ્તુના જે ભેદ મળે છે. હવે આપણને લાગે છે કે પ્રભુ ભગવંતે મહાવીર સ્વામીએ કેવી જબરદસ્ત કરુણા વરસાવી હશે ને આવું સરસ મજાનું શ્રુત આપણા સુધી મૂક્યું. બહુ નાના હતા ને ત્યારે એક અલગ એક આમ વાર્તાઓ સાંભળતા હતા આપણે કે એક ખેડૂત હતો, એક ઘર હતું, એની ઝૂંપડીમાં અંદર ખોદકામ કરતા એને ચરુ મળ્યો અને રાતોરાત એના નસીબ ખુલી ગયા. એ વખતે લાગતું હતું કે કદાચ વાર્તાઓમાં આવું બનતું હશે. થોડો મોટો થયો ત્યારે પછી મને સાંભળવા મળ્યું કે કદાચ કોઈ હાઈવે સાઈડની જમીનો હોય અને અચાનક એની બાજુમાં કોઈ પ્લાન્ટ આવી જાય, કોઈક ઓટોમોબાઈલનો પ્લાન્ટ આવે, કોઈ પાવર પ્લાન્ટ આવે અને અચાનક જમીનોના ભાવ વધી જાય અને રાતોરાત બધાની આજુબાજુની આખા એરિયાની તસવીર બદલાઈ જાય, એવું સાંભળ્યું છે. પણ એ બધું કદાચ ક્યારે અનુભવમાં નહોતું આવતું. આજે એમ લાગે છે કે ગુરુદેવ અમે તો ખાલી સાંભળવા આવ્યા હતા, અમે તો ખાલી હાઈવે સાઈડનો કોઈ પ્લોટ બુક કરાવેલો હતો અને અચાનક એની જમીનોના ભાવ એવા વધી ગયા જાણે આ 3 દિવસ અમે તો સાંભળવા આવ્યા હતા. અને સાંભળતા સાંભળતા અંદર એવું પડતું ગયું. આજે અનુભવ થાય છે કે આગમ ગ્રંથોમાં શું ઊંડાણ છે. આમ જાણે આગમ ગ્રંથો સાથે હવે એક નાનકડો આમ એક મૈત્રી થઈ હોય અથવા એક પરિચય થયો હોય, એક આછળતો પરિચય થયો જે કદાચ જોવાની, જાણવાની, સાંભળવાની, વાંચવાની અમારી લાયકાત નથી. અને ગુરુદેવ આપના માધ્યમે અમને આ મળ્યું છે, આપણા સૌભાગ્યને આપણે એકવાર તાળીઓના નાદે વધાવવું છે કે ગુરુદેવ અમને આપના થકી આ મળ્યું છે. આ આગમ વાચના સેશન ત્રીજો, દિવસ ત્રીજો અને છેલ્લું સેશન. હવેની થેવડીક જ મિનિટો આપણી પાસે રહી છે એટલે ફરી પાછા બધાને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે આપણે બધા જ મોબાઈલ ફોન સાથે લાવ્યા હોય તો એને પણ સાયલેન્ટ કરી દઈએ અને કોઈપણ ખલેલ વગર જે થોડી ઘણી મિનિટો આપણી બચી છે એ મિનિટોમાં આપણે ભણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આનંદમાં અભિવૃદ્ધિ થાય બીજી એક એવી વાત સરસ મજાની પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત રત્નસુંદર સુરેશ્વરજી મહારાજા લિખિત 400મી પુસ્તક તેનું એક જબરદસ્ત ભવ્ય ઐતિહાસિક મહોત્સવ GMDC ગ્રાઉન્ડમાં થવાનો છે. દિવસો પણ બહુ નજીક છે અને ત્યારે આબેહૂબ ગિરનારની પ્રતિકૃતિ ત્યાં આગળ હશે અને ગિરનાર મંડળ નેમિનાથ દાદા જે ગિરનારમાં બિરાજમાન છે તેમની જ પ્રતિકૃતિ, તે પણ તેવા જ ભગવાન અને બરાબર 61 ઇંચના એવા જ આબેહૂબ એ નેમિનાથ દાદા જેવા જ નેમિનાથ દાદા પણ અહીંયા ગિરનારના ગઢ ઉપર બિરાજમાન થશે. તે જેની અંજન શલાકા થવાની છે, જેની અંજન શલાકા થવાની છે અને તે જ નેમિનાથ દાદાની અંજન શલાકાનું મુહૂર્ત અત્યારે આપણા જ બધાની હાજરીમાં આ જે પળમાં, આ જ પળમાં અત્યારે ગુરુદેવને આપણે વિનંતી કરીએ. અને સાથે સાથે ગુરુદેવની પ્રેરણાથી ભૂસાવળ તીર્થમાં પણ જૈન મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે અને તે જૈન મંદિરમાં મૂળનાયક દાદાની અંજન શલાકા પ્રતિષ્ઠાનું મુહૂર્ત ભૂસાવળથી આવ્યા છે બધા શ્રેષ્ઠીવર્યો. આપણે તાળીઓથી તેમનું સ્વાગત કરીએ અને ગુરુદેવ પાસે બંને અંજન શલાકાનું મુહૂર્ત આપણે ગુરુદેવ પાસે માંગવું છે. આવો આપણે પ્રભુ કૃપાનો સાક્ષાત્કાર કરતા કોઈ પદની સાથે ગુરુદેવને વિનંતી કરીએ અને નેમિનાથ દાદાનું અંજન શલાકાનું મુહૂર્ત તથા ભૂસાવળમાં મૂળ નાયક પ્રભુનું અંજન શલાકાનું મુહૂર્ત ગુરુદેવને વિનંતી કરીએ. ચરણે જઈ બેડો પાર કરી લે, નેમજીના નામ લૂટી લે, નેમીના ચરણે મુરત લેવા માટે વિનંતી કરીશ. ભૂસાવળ તીર્થના શ્રેષ્ઠીઓ જે પધારે છે પ્રતિનિધિઓ આગળ પધારજો અને ઐતિહાસિક પ્રસંગ સ્પર્શ પ્રસંગના પ્રતિનિધિઓ તરીકે અગ્રણીઓ અને તેની સમિતિ વતી શ્રી કલ્પેશભાઈ તથા ટીમના બધા તૃષેનભાઈ રાકેશભાઈ પપ્પાને વિનંતી કરીશ આગળ પધારો અને ગુરુદેવ પાસેથી મુહૂર્ત ગ્રહણ કરીએ નેમિનાથ ભગવાનની અંજન શલાકાનું મુહૂર્ત. નેમનાથ ભગવાન સ્પર્શ મહોત્સવ મેં ઓર શીતલનાથ ભગવાન ભૂસાવળ મેં બિરાજમાન હોને વાલે ઇનકી અંજન શલાકા મુહૂર્ત 22/11/22 સે મહોત્સવ શરૂ હોગા ઓર 25/11/22 શુક્રવાર માગસર સુદ બી ઉસ દિન અંજન શલાકા કા મુહૂર્ત.
बोल श्री नेमिनाथ भगवान नी। सतवार छे एक मारो आधार छे एक बस नेमिनाथ प्रभु 61 इंच ना नेमिनाथ प्रभु जे स्पर्श महोत्सव में अहीं बिराजमान थशे ने 8 दिवस दरमियान लगभग 30 लाख थी वधारे लोको दर्शन करशे दर्शन नो लाभ लेशे तेवा नेमिनाथ प्रभु लब्धि निदान संघनु परम सौभाग्य छे के ते नेमिनाथ प्रभु पण अहींया ज तैयार थशे निर्माण थशे ने प्रगट थशे अने भगवान ने भरावानो आ नेमिनाथ भगवान ने भरावानी उछामणी कार्तक वद पांचम एटले के 13th नवेम्बर कार्तक वद पांचमना दिवसे जे दिवसे आचार्य भगवान रत्न सुंदर सुरेश्वरजी महाराजा पीठिकामांथी बहार पधारशे 21 दिवसनी पीठिका पूर्ण करी गुरुदेव पीठिकामां दिवाळीना दिवसे बिराजमान थशे अने 21 दिवसनी पीठिका पूर्ण करी अने गुरुदेव 13 तारीखे कार्तक वद पांचम तेओ बहार पधारशे अने त्यारे ज आ नेमिनाथ भगवानी प्रतिमा भरावानो તે દિવસે ઉછામણી તેનો ચડાવો લેવામાં આવશે આપણે બધા જ તેમાં પણ સાથે જોડાઈશું આવો ફરી એકવાર આપણે આગમ વાંચના માટે સજ્જ થઈએ દરેક જણ ફરી પાછા આપણે પોતપોતાના જે છેલ્લા 5 સેશનને આરતી 30 જ સેકન્ડની અંદર ફરીથી નજર સામે લાવી દઈએ 5-5 સેશન બહુ જબરદસ્ત રીતે થયા ગુરુદેવ આપની કૃપાથી હવે છેલ્લું સેશન આપણે તાળીઓના નાદ સાથે વિનંતી કરીએ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન રત્ન સુંદર સુરેશ્વરજી મહારાજા આગમ વાંચના લાસ્ટ સેશન कोमान लहे जमुखम रागत दोसा जय न हुज्जा ठाणंग सूत्र का एक क्रीम कोटेशन यदि रागत द्वेष नहीं होते मोक्ष किसका नहीं होता माने मेरे मुक्ति को मेरे मोक्ष को रोकने का काम राग और द्वेष ने किया है। आज एक महत्वपूर्ण बात लेकर के आपके सामने चलता हूँ। हम जिस रास्ते में जा रहे हैं चाहे वो रास्ता अध्यात्म का है चाहे आपके संसार का है वो रास्ता की कसौटी करना चाहते कि इट इज़ राइट वे और रॉन्ग वे। बहुत गंभीरता से सुन लेना, चार चीज़ के बाद पांचवें नंबर की चीज़ यदि आपके पास है हम राइट वे या तो रॉन्ग वे तय हो जाएगा। नंबर एक इच्छा, चाहे आपके संसार में क्षेत्र में पैसे की इच्छा, मुझे चारित्र की इच्छा हुई, कोई भी इच्छा का क्षेत्र नंबर वन स्टेप डिजायर मन में भाव हुए। नंबर दो इच्छा के बाद प्रवृत्ति, वो इच्छा को सफल करने के लिए मैंने प्रयास किया, मैंने दीक्षा का मन था और मैंने दीक्षा का प्रयास किया, आपको पैसा कमाने का मन था आपने पैसा कमाने का प्रयास किया। नंबर दो प्रवृत्ति, नंबर दो पुण्य, नंबर तीन, नंबर एक इच्छा, नंबर दो प्रवृत्ति और नंबर तीन पुण्य। प्रवृत्ति तो मैंने कर दी, मेरा पुण्य भी तो चाहिए, मेरा शरीर अच्छा रहा आपका शरीर अच्छा रहा, माने हर तरह के पुण्य थे, मुझे गुरुदेव मिले ये पुण्य था मेरा, भले मैं गया मगर गुरुदेव मिलना वो भी तो इसलिए जय मीरा सूत्र में शुभ गुरु योगो तमेण सेवना मकंडा, भगवान मुझे सदगुरु का योग हो, भगवान से मैंने प्रार्थना की, मैंने गुरुदेव चेक नहीं किए, भगवान की कृपा से मुझे गुरुदेव मिल गए। इच्छा प्रवृत्ति, नंबर तीन पुण्य, नंबर चार प्राप्ति, ये चार तक मैं और तुम कॉमन चलते हो। चाहे आपकी इच्छा करोड़पति बनने की थी, आपके प्रवृत्ति की प्रवृत्ति में आपके पुण्य ने सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के बाद करोड़पति बन गए। मेरे मन में चारित्र की इच्छा थी, मैंने प्रवृत्ति की मुमुक्षु रहा और पुण्य का उदय था, मेरी शरीर अच्छा रहा, गुरु भगवान मिल गए और परमात्मा की परम कृपा से और गुरुदेव की उदारता से मुझे मिल गया। यहाँ तक हम दोनों साथ में चले, मगर मेरा मार्ग सही था और आपका मार्ग गलत था, या तो अध्यात्म का मार्ग सही था और संसार का मार्ग गलत था, उनको जानने का तरीका एक, प्राप्ति के बाद यदि अतृप्ति है आपका रॉन्ग साइड और प्राप्ति के बाद तृप्ति है, वी आर ऑन द राइट वे।
इच्छा प्रवृत्ति पुण्य और प्राप्ति चार में हम साथ में चले। और अभी एक चीज की मांग, एक चीज की अनुभूति आप बताओ, जो मिला उससे तृप्ति है, इनाव गुरुदेव कमाल हो गया, मैं पागल हूं, सारी दुनिया का चक्रवर्ती पद मेरे सामने आ जाए, मैं ना बोलने की हिम्मत भी रखता हूं, रख तेरा चक्रवर्ती पद बाजू में, क्या हो गया? प्राप्ति के बाद तृप्ति की ऐसी अनुभूति की दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। आप ये बोलो, जो भी प्राप्ति है वो प्राप्ति के बाद अतृप्ति बढ़ी कि तृप्ति बढ़ती जा रही है? यदि अतृप्ति है तो यू आर ऑन द रॉन्ग वे, और यदि तृप्ति हो यू आर ऑन द राइट वे। अनंत तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश, संसार की प्राप्ति सागर का पानी है, पानी निश्चित है, आपकी प्यास भी है, और प्यास होने के हिसाब से तुम दौड़े पानी पीने के लिए, पानी पीने के बाद तो आप बोले क्या हुआ है? ये तो प्यास बढ़ती जा रही है। तुम्हारी तरस साची पानी खोटू, सागर ना पानी दी तृषा मटती नदी, तृषा वधे से संसार ना पदार्थो दी तृप्ति थती नदी, अतृप्ति बढ़ती जाए। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो, आपको लगता है कि गुरुदेव तृप्ति की महसूस बहुत हो गया? साहेब शटर से भोजन बहु कर तृप्ति न पाम्यो लगार, ये तृप्ति शब्द लिखा है। साहेब शटर से भोजन बहु कर तृप्ति न पाम्यो लगार, मुरे अनादिनी भूलमा रजड़ो घणो संसार। हर प्राप्ति के बाद अतृप्ति, हर प्राप्ति के बाद अतृप्ति, फिर भी भागता ही रहा। 10 करोड़ में तृप्ति नहीं, 25 करोड़, 25 करोड़ में तृप्ति नहीं, 500 करोड़, 500 करोड़ के बाद तृप्ति नहीं, 5000 करोड़, कहां तक भागते रहूंगा? जिंदगी भर भागते रहे और आयुष्य तो खत्म हो गया। वाई वी आर हैप्पी, तृप्ति। मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोलूंगा, मैं जहां बैठा हूं ना वहां आसन से बाजू में घूमने का भी मन नहीं होता, उपासना में भी पाप तो नहीं करना है। कई कभी कभी मन में होता है ठीक है चलो गोचरी के लिए खड़ा होना पड़ता है, मगर मन नहीं मानता, इतना आनंद आ रहा है अपने आसन पे, एक कदम भी खड़े होने का मन नहीं होता। तुम्हारे पास इतना होने के बाद तुम कभी तो रोवो खुद के लेकर के, क्या गुरुदेव नहीं सोचा था मेरे बाप के पास जितना नहीं था, मेरी गत 7 पीढ़ी के पास जितना रुपया नहीं था, इतना रुपये का मालिक बनने के बाद और भी भागता हूं। मारा बापा ना बापा ना बापा ना बापा आगे जितना रुपया ना था इतना मारी आगे छे, और हजी छता भागू छे, हजी समझू नहीं। 20 करोड़, 30, 40, 50, 60 शेरे माटे पण देवचंद्र जी महाराज लिखते ये शब्द, मुनि इतना तृप्त होता है उनको कारण के बिना आसन से खड़ा होने का मन नहीं होता है। और हमारे पास लिखा है शब्द, चारित्रम स्थिरता रूपम, ज्ञान सार में उपाध्याय माने शब्द लिखा है। चारित्र क्या है? सामयिक प्रतिगमन पड़ीलन गुचरी पानी बिहार हो तो यही, मगर आखिर चारित्र कहां आएगा? चारित्रम स्थिरता रूपम, संयम जिसके हाथ में, इनकी स्थिरता इतनी जबरदस्त है, बाहर घूमने का मन नहीं, न बैठ बाजे का आवाज सुनने का मन, कहीं जाने का मन नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है इनफ? और आपको बताऊं, 3 शब्द यदि आपकी डिक्शनरी में नहीं इंप्लीमेंट हो जाए, नो मोर इनफ एंड सफिशिएंट, ये अनुभूति आ जाए, आप मान लें अध्यात्म का मार्ग आपके लिए शुरू हो चुका है। नाउ नॉट मोर इनफ एंड सफिशिएंट, यदि ये 3 चीज आपके पास आ जाए, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, चिंता मत करना, धीरे धीरे अध्यात्म का मार्ग आपके लिए खुल रहा है। आपको क्या लगता है? वो बात नहीं है, संसार की बात। मैं पहले क्लियर कर दिया, भौतिक और अध्यात्म। मैं और भी भागते रहूंगा ना, मेरी आराधना बढ़ते रहेगा ये, मगर जो है उसमें मैं इतना तृप्त हूं। तुमने कहो एक नानकड़ी बात, आज छल्लू सचिन भाई एक बात याद रखो, पहले गुजराती में फिर हिंदी में बोलता हूं, संसार क्षेत्र में તમે શું મેળવો છો એ મહત્વનું નથી, એ મેળવવા શું ચૂકવો છો એ મહત્વનું છે। બસ એક વાર તમે ચેક કરી લો, તમે શું મેળવ્યું છે એ મહત્વનું નથી, એ મેળવવા માટે તમે શું ચૂકવ્યું છે એક વાર આંખ સામે રાખી દો। સંસાર કે ક્ષેત્રમાં એક વાર ચેક કરો, તમને ક્યાં પાયા હૈ વો મત ચેક કરો, મગર વો પાને કે લિયે તમને ક્યાં ચુકાયા હૈ, ક્યાં ચુકાયા।
इतना अनंत पुण्य के बाद तुम्हें मानव जन्म मिला, वो मानव जन्म तुमने सिर्फ ये पैसा बनाने के लिए चुका दिया, इतना पुण्य इसके लिए तुमने रख दिया। आपके पिताजी बोलते मेरे साथ बैठने का टाइम नहीं, आपकी माँ बोलती है बैठने का टाइम नहीं, पत्नी बोलती है कहाँ जाते हो, बेटा बोलता है पप्पा तुम मिलते नहीं हो, कहाँ, इतना चुकाने के बाद तुम करोड़पति बन गए और तुम बोलते हो मैं सफल बन गया। फरी बात, संसार में तुम्हें शू मेळव्यू ए नहीं, ए मेळवा माटे शू मूक्यू ए चेक करो। अने अमारा जीवन में अमे शू चूक्यू ए न ध्यान राखो, अमे शू मेळव्यू ए ध्यान राखो। कॉन्ट्रावर्सी बात, तमारा जगत में तमे शू मेळव्यू नहीं, मेळवा माटे शू चूक्यू ए आंख सामे राखो। अरे अमारा जगत में अमे शू चूक्यू ए याद न राखो, ए चूक्या पछी अमे शू मेळव्यू ए आंख सामे राखो। कॉन्ट्रावर्सी समझाय, आखो संसार छोड़ीने अमने चक्रवर्ती ने पण पूज्य गणधर भगवंत आगळ जेतु ए संयम जीवन मळ्यु, अमे शू मूक्यु नहीं शू मेळव्यु। सुबह के चेतन में यदि तुम बोलते तृणमपि गणयन्ति नैव नाकम्, भगवान इस चीज को पाने के लिए देवलोक के देवता यदि किसी अनुत्तम कर्मग्रहण पढ़े नहीं गए, अनुत्तरवासी देवता का इतना इतना सुख है दुनिया में, इनके जैसा सुख नहीं। यदि उनके आधे जीवन में तुम पूछो कि अभी तू यहां से मर सकता तो तुझे दीक्षा मिलती है, वो सब अनुत्तर देवलोक छोड़ने के लिए तैयार, यह पाने के लिए। जे देवलोक नो देवता आ मळतो हो तो अर्धा रस्ते छोड़ीने निकली वा मगे जे, ए अमारी आगळ छे। तमे एम बोलो साहेब संसार छोड़ो, छोड़ी दे भिखारी छे संसार तो छे शू, तमे जे मुकीने मरवाना छे मैं छोड़ी छे, बीजू शू फेर जे तमारा मारा मात वक्त तमे मुकवाना छो, मैं जीवता छोड़ी दीधु, आती बधु फेर शू छे तमारा मारा। पण मर्या पछी पण तमारा आत्मा जे चीज नथी आवनी ए चीज जीवता में मेळवी लीधी। क्यारे पण अमने मारो संसार याद नथी आवतो, करोड़ छोड़ा के 20 करोड़ छोड़ा के 500 राखवा जी बात तो छोड़वानी बात क्या भी, एमा अमने रस ज नथी। अमने शू मळ्यु मे रड़ीए छीए सवारना पुरमा, आने आंख सामे मूकीए त्यारे आंखमां थी आंसू चाले छे, हूँ नौकार नथी गणतो सवारना पुरमा, उठ्या पछी तरत आ लेलू छू, आने आंख सामे लगाड़ू करी देव अनंत उपकार कर्यो आपे। જે ચીજ ગૌતમ સ્વામી અગળતી ચીજ આપે મને કેવી રીતે આપીને હું કેવી રીતે મેળવી શક્યો? ઈચ્છા પ્રવૃત્તિ પુણ્ય ઓર પ્રાપ્તિ વો જીવન કી કસોટી નહીં, તૃપ્તિ ઓર અતૃપ્તિ એ કસોટી હૈ। ઓર ચાહીએ ઓર ચાહીએ ઓર ચાહીએ, તુમ ગયે કામ સે પૂરી જિંદગી તુમ્હારી તબાહ હો જાયેગી, નહીં મિલેગા। ઓર હમારી અતૃપ્તિ તમને કહું, પીડા પણ એવી ઊભી કરો જે તમને પરમાત્મા બનાવી દે, એવી પીડા ઊભી કરો જે તમને પરમાત્મા બનાવી દે। વો પીડા થી ગૌતમ સ્વામી કે પાસ ભગવાન મહાવીર કો પૂછતે થે, ભગવાન જિસકો ભી દીક્ષા દેતા હું સબકો કેવલ મુજે કબ, ઓર યહી પીડા ને ગૌતમ કો પરમાત્મા કા બનાને કા રિઝર્વેશન કર જા ગૌતમ। खुद की लब्धि से अष्टाप जाता है ना, चला मैं निकला अभी परमात्मा बनना है, तमने शू कहू, पीड़ा पण परमात्मा बनावी सके, पीड़ा एवी उभी करो अतृप्ति पण तमने परमात्मा बनावी दे। आनंदजी महाराज नू स्तमन छे, तुझे मुझे अंतर अंतर भांजे से, भगवान तारा ने मारा बच्चे नू अंतर क्यारे कपाशे, आनंदजी महाराज रड़े छे क्यारे, પદ્મ પ્રભજીને તુજે મુજે અંતરું કેમ ભાંજે, ભગવાન ભગવાન તારા મારા વચ્ચે અંતર કેમ પડી ગયું? પદ્મ પ્રભજીને તુજે મુજે અંતરું કેમ ભાંજે, કેમ કેવી રીતે ભગવાન કેવી રીતે તોડું? દાન કરું તો તૂટી જાય, શીલ પડું તો તૂટી જાય, બ્રહ્મચર્ય પડું ભગવાન કે નહીં? એક જ છે, તુજે મુજે અંતર અંતર ભાંજે છે, તારા ને મારા વચ્ચેનું અંતર, તારું અંતર એટલે હૃદય, જેટલું મારી નજીક આવશે એટલું અંતર તૂટશે। ભગવાન અને આપણા વચ્ચેનું અંતર તૂટવું હોય તો હૃદયને ભીનું ભીનું રાખો, અંતર તૂટે। ઔર ઉનકો લેકર આજ આપકે સામે બાત રખના ચાહતા હું, લાસ્ટ
हम पूछो किसी मुनि का, मैं बोलता हूँ कल्पेश अवधपति का इंटरव्यू कभी मत लेना किसी साधु को लो। एक महाराजा श्रेणी ने अनाथी मुनि का इंटरव्यू ले लिया था, चलते चलते मुनि की मस्ती को देख कर के अनाथी वो श्रेणी खड़ा रह गया, ये युवा भाई और ये तेज। और पूछा कि महाराज साधु क्यों बन गए, मैं अनाथ था। अरे मैं तुम्हारा नाथ बनने के लिए मैं मगध का सम्राट हूं। और वो मुनि ने महाराजा श्रेणी को, श्रेणी तू खुद अनाथ है, किसको बोलते हो, तुझे, मगध का सम्राट हूं मैं भी तो राजकुमार था। एक दिन शरीर रोग से गिर गया, आठ आठ पत्नी थी मेरी, मेरे माता पिता थे, पत्नी रो रही थी, सब दवाई कर दी कुछ नहीं हुआ, इतनी पीड़ा थी रात भर नींद नहीं थी। और एक दिन निर्णय ले लिया, रोग जाए जो आज नहीं रात तो संयम ले वो प्रभात। एक दिन सोच लिया यदि रोग चला गया दूसरे दिन चारित्र के मार्ग पे चला जाऊंगा। और राजन रोग गया, चारित्र के मार्ग पे आया और वहां शब्द लिखा है शरणिक तिया समकित पम्यो। एक मुनि का इंटरव्यू लेने के बाद श्रेणी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, भगवान महावीर की देशना सुनने के बाद नहीं, सिर्फ एक मुनि का इंटरव्यू लिया संकीर्ण की प्राप्ति, कमाल। राजन तू भी अनाथ है, तेरे शरीर में रोग आएगा तब पता चलेगा तेरा मगध का साम्राज्य क्या कर सकता है। इच्छा प्रवृत्ति पुण्य और प्राप्ति, चार आपकी चार हमेरी, हमारे पास तृप्ति है और तुम्हारी अतृप्ति है। और आगे की बात, अतृप्ति को शांत करने के लिए तुम दौड़ेंगे नरक मिल सकती है, हमारी जो अतृप्ति को शांत करने के लिए निकलेंगे हमें सिद्धशिला मिल जाएगी। कभी कभी मेरे मन में जो पीड़ा होती है वो पीड़ा की बात बताऊं, रॉन्ग साइड पे गाड़ी जाने के बाद फिर भी तुम जब एक्सीलेटर पे पैर दबाते चलते हो ना तब लगता है कि तुम पागल हो। आप क्यों पता है कि मेरी गाड़ी रॉन्ग साइड पे जा रही है फिर भी एक्सीलेटर पे पैर, 50 करोड़ बजी शांति नदी, मस्ती नदी, प्रसन्नता नदी, पवित्र नदी, प्रेम नदी, बद्दू तूटी जाए हजी 100 करोड़ मेलवा छे। हम यार करते हैं आधा किलोमीटर दूर जाते पता चलता है रॉन्ग साइड, रुक जाते भाई कयो रस्तो जाते में भूला पड़ी गया, हमारे साहब आ रस्ते चलो पाछळ। तमने पोताने खबर छे कि तृप्ति नहीं अतृप्ति जेने रोज हजी बत्ती जाय छे छता भागवू छे। एक वात कही दू, आ 3 दिवसना सेशन में तमे खरेखर पामी गया छे नी खातरी, धर्म वधारवानो निर्णय न करो तो चालशे, पाप घटाड़ी देवा छे नो निर्णय करी जजो। 3 दिवसनी आगम बातना तमने खरेखर हृदय स्पर्शी बनी गयो तो एक काम करजो, आवतीकालथी जीवनमां धर्म वधारशुं ए संकल्प न पण करो, पण गुरुदेव हवे पाप घटाड्या विना रहेवानो नथी आटलो संकल्प करीने જજો। બહુ થઈ ગયું, હજી સાગરનું પાણી પીવું છે પીવું છે, હવે તો અટક ક્યાં ઉતી, દરેક સાગરના પાણીએ તમારી અતૃપ્તિ વધારી છે ને, હજી પૈસા હજી પૈસા। और एक और कसौटी आपके सामने, एक साइंटिस्ट लेबोरेटरी में जब प्रयोग करता है तब होता क्या है मालूम है, प्रयोग जिस टेबल पे करता है जिस मटेरियल पे करता है उसमें बहुत कुछ चेंज हो जाता है। परिवार एक वैज्ञानिक जाए प्रयोग करे ત્યારે એનામાં એકે પ્રકારનો બદલાવ ન આવે એ પદાર્થોને બદલી નાખે, સમજાય મુકેશ? એક નંબરનો ડામીસ હોય વૈજ્ઞાનિક એ સફળ બની શકે, સમીકરણ બિલકુલ બરાબર ગોઠવીને પ્રયોગ કરે તો વૈજ્ઞાનિક ટેબલ ઉપર જે પ્રયોગ કરે એમાં મટીરિયલ બદલાય, વૈજ્ઞાનિક ન બદલાય। પણ ધર્માત્મા જ્યારે યોગમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે મટીરિયલ બદલાય કે ન બદલાય ધર્માત્મા પોતે બદલાઈ જાય। આ તાકાત, મંદિરમાં ગયા પછી ભગવાનને નથી બદલવાના, મારી જાતને મારે બદલવાની છે,
अर्यंत ना ध्यान अर्यंत बनी जो सोचे नहीं भक्ति करता भगवान आप तो मोक्ष में चले गए, आपकी भक्ति करते करते मैं आपको नहीं बदलना चाहता हूं, मैं खुद बदलना चाहता हूं। अनुअर्थ वैज्ञानिक बदमाश रही सके ने छता सफल बनी सके, धर्मात्मा धर्म करता करता बदमाश ना नहीं सके, ये पवित्र बिना बिना रह जाए। अपना धर्म की कसोटी आ धर्म करता करता हूं कितनो बदलाई गयो, विज्ञान की कसोटी आ कि पदार्थ में कितनो बदलाव और धर्म की कसोटी में मारा में बदलाव कितनो। चाहते हो आप और इनको लेकर के आज पांच बात जो मैंने बताई थी कम से कम आस्थानांग जितना पवित्र सूत्र इनको लेकर के आप जा रहे हो, इनकी वाचना को सुन के आपका स्टेज में समझता हूँ, मगर कम से कम इससे मुक्त हो जाना पांच कलंक है। एक कलंक हाथ का है जो किसी की भी हिंसा में प्रवृत्त होता है, मारना वही इंसान ही है। हाँ वही जो पांच स्त्री की मैं बात करना चाहता हूँ वो स्त्री की बात करना चाहता हूँ, एक स्त्री है हिंसा, इनके बिना आपका जीवन चलता नहीं। रिपीट करना चाहता हूँ चाहे कोई भी संसारी आत्मा उत्तम कोटि का सुश्रावक हो बिना हिंसा, मैं रिपीट करना चाहता हूँ हमारा जीवन संपूर्ण अहिंसक, आपका जीवन कम हिंसा वाला, कम हिंसा। जानबूझ करके मैं हिंसा में प्रवृत्त नहीं होगा, आप कम से कम इतना तय करके जाना। आने वाले दिनों में आप बंगला बनाने वाले हो, फार्म हाउस बनाने वाले हो, प्लीज गुरुदेव लॉन नहीं बनाऊंगा, ये तो 100% नहीं गुरुदेव। मेरे घर में लाइट कम, मेरे घर में फैन कम, यदि पॉसिबल होगा तो हीटर गीजर भी नहीं रखाऊंगा, ये है कम हिंसा। हाथ ने हिंसा माटे तैयार न करो ना पड़ी दो। रिपीट करना चाहता हूँ हिंसा वो हाथ का कलंक है, जितना बच सको इतना बचते रहना। बहुत बड़ी वेदना से कहना चाहता हूँ आपको मालूम नहीं, योग शास्त्र नाम के ग्रंथ ने एक शब्द लिखा है माता इव सर्वभूतानाम अहिंसा हितकारिणी। मालूम नहीं आपको बताना, महावीर की माता त्रिशला थी, मेरी माता चंपा बहन थी, आपकी माता कोई भी हो, मगर सारे जगत के जीवों की माता अहिंसा है। ये हेमचंद्र शर्मा लिखते माता इव सर्वभूतानाम अहिंसा हितकारिणी, सारे जगत के जीवों की एक कॉमन माता अहिंसा, तो मेरा हाथ हिंसा के लिए कैसे तैयार हो, कैसे वो नॉनवेज वो अभक्ष। आपके घर में हमें पूछना पड़ेगा ये द्रव्य कैसे बनाए, पांच बात आपसे करना चाहता हूँ। जितनी हिंसा आप अपने आप को चेक कर लो कि गुरुदेव इतनी हिंसा से मैं निश्चित तौर से परिवार नहीं भी बचेगा, गुरुदेव मैं खुद बच जाऊंगा। मैया पहला कुमार भाई कीधु जार थी मैंने दीक्षा नो भाव जाग्यो त्यार थी मैं क्यारे डोलने नीचे नहीं मूकी, नल माथी पानी टपके अने डोल नीचे हो जेटलो आघात लागे એટલા આપકા જીવની વિરાધના બધા રહેતા હોય, સબકાય શસ્ત્ર મૂક્યું જે શાસ્ત્ર કહેવાય, પાણીના જીવ પાણીથી જ મરે, તો એટલા માટે જ્યારે મને ગુરુદેવે આ સમજાવ્યું કે પાણીના ટીપે ટીપે અસંગે જીવ છે, એ દિવસથી દીક્ષા લીધી ત્યાં સુધી મેં નળની નીચે બાલદી નથી મૂકી, બાલદી લઈને ઊભો રહેતો હતો જેના કારણે આઘાત પાણીના જીવને ઓછામાં ઓછો લાગે। અને પરમાત્માની પૂજા કરવા માટે નામાનું હતું તો પણ મેં ક્યારે પણ પાણીને એટલું વધારે ગરમ નથી કર્યું કે ગરમ પાણીમાં ઠંડુ પાણી નાખવું પડે, નહીં હું ઊભો જ રહેતો હતો ગેસની આગળ અને ચેક કરી લો એટલા પાણીથી સ્નાન કરવું છે, વધારે પાણી ગરમ થાય પછી એમાં પણ વિરાધના છે આ બચો તો। પરિવાર મેં તીન સબ્જી હોતી હતી, મેરા નિયમ થાય એક સબ્જી છે જ્યાદા નહીં, મેં ખુદ કે લીએ તો તય કર સકતા ના,
क्या कर पाएंगे आप? लेटरिन, यूरिन, बाथरूम, वहां का किचन रूम, बहुत कुछ है, मैं अभी बयान नहीं कर सकता हूं। मुझे किस सभा में ये बात करनी कि प्याज आलू छोड़ो, मैं जो सुनता हूं ना पीड़ा इतनी होती कि वी आर फेल। तमें भले मानता हूं मैं आचार्य छीले बैंड बाजा भागे छे, अमे लगभग निष्फल छे, लगभग जे रीतनी व्यवस्था ने जे रीते पागलपन धोड़ा, एम लगे कि आपने शू करी एटला वर्ष। जिस गुरुदेव को पाकर के मैं ये इतनी इतना इतनी ताकत मेरे में, गुरुदेव खुश थे मेरे पे। रत्न तू नामा जाए जे रत्नी तू आवी दीते, मैं साहब आपे आपी जन पानी ना टिपेट में नहीं। मुमुक्षु तरीके जेना घरे जम्मा जावता कही दू एक शाक नहीं हो तो चाल से, बीजू शाक मारा माटे नहीं जुए। सारा जगत ना जीवनी माता जो हिंसा छे तो हिंसा करी के भी रीते सब अने जानी जो इन अभावपूर्वक। ये शांतनु कुमार कहा ये है बैठा है, बरसों पहले मैंने छात्रमा किया तब उसके मुझसे मैंने सुना था, माने साहब आपके चार महीने के चामासल के प्रवचन हम टूर में गए थे, आपके हर प्रवचन की ताकत खत्म कर गए। हमारा सर टूर में क्या होता है, वही लोन, वही स्विमिंग पूल, वही मारो जंप, इतने जीवों की विराधना गुरुदेव, हमने चार महीना प्रवचन सुनने के बाद हमारा सब खत्म कर गया है। वो होटल, वो रात्रि भोजन, हर चीज हिंसा हिंसा हिंसा, उनको छोड़ के कुछ नहीं, और आपके प्रवचन सुनते हैं मजे से। बारह व्रत में पहला व्रत अहिंसा का, पांच महाव्रत में पहला व्रत अहिंसा का, इसलिए कहना चाहता हूं, आपके परिवार की बात नहीं करना चाहता हूं, खुद आपकी बात। एक समय है तो कुमार भाई कपड़ा रोज नोटा धोवाता, हूं मारी बात करूं छू, पर्यूषण के दिन होली के दिन हम कपड़े भी नहीं धोते थे, और आज भावनगर में मैं चातुर्मास करके आया, भावनगर में भावनगर की डोसा भाई अभिचंद की पेटी से मुझे कागज लाया दिखा गए, लुहारे धोबीए मोचीए सुथारे बधाए जैन श्री संघ ने कागड़ आप्या था कि तमारा प्रभादीनाज पर्यूषण आवे छे माटे 12 दिवस धोबीघाट बंद रहेशे, अमारी लुहार शाळा बंद रहेशे, अनाजनी घंटी अमारी बंद रहेशे, आ जैन शासन हतुं, क्यां छे तमारा हुमां? ऑर्थोडॉक्स मानो तमे ने रोजना दिवस ने परिश्रम में कोई फेर नहीं। नंबर एक, हाथ का कलंक हिंसा है और आंख का कलंक ईर्ष्या है, जेलसी। पांच स्त्री की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं, आंख का कलंक है जेलसी। आपको आपके सामने किसी को भी तुमने आगे बढ़ते देखा और तुम्हारी आंख बोल देगी कि मजा नहीं है मेरे से आगे क्यों निकल गया, ईर्ष्यानु जहर आंख में हो। एक बात गुजराती में तुमने कही दू, बीजाना दुख में आश्वासन आपवू सहेलू छे पण बीजाना सुखमां अभिनंदन आપવા બહુ મુશ્કેલ છે। બીજાના દુખમાં આશ્વાસન આપવું બહુ સહેલું છે પણ બીજાના સુખમાં અભિનંદન આપવા એ પણ હાર્ડલી બહુ મુશ્કેલ છે। આંખમાં ઈર્ષા, આંખ કા કલંક ઈર્ષા હે, इस सभा में बैठने वाले को दिल से पूछना चाहता हूं, सच बोलो, हमारी चार भावना में दूसरे नंबर की भावना है प्रमोद भावना। मैत्री परेशान हित चिंतन भवित प्रमोदो गुण पक्ष बात, आपसे आगे निकल गए हुए को देख करके यदि आपको प्रसन्नता होती है आपके पास प्रमोद भाव है। इस सभा में बैठने वाले को दिल से कमेंट मत करना,
તમારી કરતા તમારો સગ્ગો ભાઈ આગળ હોય, તમે ખૂબ રાજી સગ્ગો ભાઈ, થોડી દિન કે પહેલે સાંગલી મેં યા તો કોલ્હાપુર મેં મિચ્છામૃગમ ટાઉન કા નામે ભૂલ ગયા, દો ફ્રેન્ડ થી એક માં કી દો બેટી ભી ઇતની પ્યાર નહીં કરતી હોગી ઇતના દોનોં કે બીચ મેં ફ્રેન્ડશિપ થી ઓર એક દોનો એક્ઝામ મેં એક ફ્રેન્ડ કો 95% આયે ઓર સેકન્ડ કો 94.5 આયે, ઇતના હી ફર્ક. ઉન દોનો કે માં બાપ કો લગતા થા કે જુડવા બહેન હૈ, ઇતના પ્યાર થા દોનો કે બીચ મેં. ઓર 0.5% કમ 0.5, નોટ 1.5 ઓનલી. ઓર રિઝલ્ટ આ ગયા, ઇન્ટરનેટ પે દેખા, ઓર વો ફ્રેન્ડ ઇનકો કોંગ્રેચ્યુલેશન કરને કે લિયે ગઈ, ટાઈમ માંગ લિયા, કોઈ ન હો તભી મેં આના ચાહતી હું, ઠીક હૈ, સબકો ના બોલ દિયા, જ્યુસ કા ગ્લાસ બના કે દે દિયા પીને કે લિયે મેરી ઓર સે. ઓર 10 મિનિટ કે બાદ વો જ્યુસ કા ગ્લાસ પીને લગી, આધા જ્યુસ કા લે લિયા ઉનકે હાથ મેં, પ્લીઝ ગિવ મી, ક્યું મગર મુજે પીને દે આધાએ, મેં પીના ચાહતી હું, ઓર ઉસને પી લિયા. 10 મિનિટ કે બાદ ઘૂમને લગા, તબ એક નંબર પે આને વાલી ને પૂછા કે યે હૈ ક્યા, ક્યા હો રહા હૈ મુજે, તબ ઉસને બતા દિયા, દેખ મેરી ઓર તેરી ફ્રેન્ડ સે બહોત અચ્છી થી, મગર મેરે સે 0.5% તું આગે આઈ, મેં બેર નહીં કર સકતી હું, મેરે સે સન નહીં હોતા, તું નંબર એક ઓર મેં નંબર દો પે, નહીં 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 બિલકુલ નહીં, બહોત મેને સોચા, કર ભી તો ક્યા સકતી હું, રિઝલ્ટ તો ચેન્જ નહીં કર સકતી હું, આખિર મેને સોચા તુજે જ્યુસ મેં ઝેર દે કે જીવન ખતમ કર દું, ક્યા બોલતી હૈ તું, હા વોહી વોહી સચ હૈ, આ તુજે મારને કે લિયે મેને જ્યુસ તો દે દિયા, મગર એક મેરી કમજોરી ભી સમજ લે, તેરે બિના મેરા જીવન ભી તો નહીં ચલ સકતા, ઇતના પ્યાર હૈ, ઇસલિયે આધા ગ્લાસ તું દે દિયા, આધા મેને પિયા, આધા ઘંટે મેં દોનો ખતમ હો ગઈ, યે જેરસ. આને પહેલા ગુણસ્થાનક એ સાથે પ્રેમ છે આ બધાને, તુમ પહેલે ગુણસ્થાનક અર્થ નહીં સમજતો મિથ્યાત્વ કે સાથ, યદિ હિંસા પર તુમ્હારા ક્યાં હુઆ લગાવ, મારા સાહેબ આ તો કરવી જ પડે ને, આટલો મોટો બંગલો છે ને સાહેબ, લોન વિના રહીએ તો બાર બાર આવે તમારી ક્રેડિટ, આ આ તમારો માતો હોય, પહેલું ગુણસ્થાનક છે, હિંસાનો બચાવ, મારા સાહેબ મજબૂરી થી અપને આપ કો રોક નહીં પાયા, હાથનું કલંક હિંસા છે ને આંખનું કલંક ઈર્ષા છે, ઓર એક દો બાત બતાની ઇનકા સોલ્યુશન ભી દેના ચાહતા હું, ઈર્ષાથી મુક્ત થવું તો બે વિકલ્પ વિચારજો, બહાર કી દુનિયા મેં તુમસે કોઈ આગે તો નિશ્ચિત સંબંધા, ઇનકા પુણ્ય મેરે સે જ્યાદા હૈ, ઓર ઇસ દુનિયા મેં યદિ કોઈ આગે નિકલતા સંબંધા, મેરે સે ઇનકા પુરુષાર્થ જ્યાદા હૈ, દો ચીજ બહાર કી દુનિયા મેં ઇતના સંબંધ હૈ, ઇનકા પુણ્ય જબરદસ્ત હૈ, મેરે સે ઇસલિયે વો આગે નિકલ ગયા, ઇનકી જેલસી કા મુજે કોઈ રાઇટ નહીં હૈ, ઓર ઇસ ક્ષેત્ર મેં મેરે સે આગે નિકલ ગયા, ઇનકા પુરુષાર્થ જ્યાદા હૈ, મેં 8 કિયા ઉસને 28 કિયા, મેં 13-10 પાસ કિયા ઉસને માસ્ટર ક્ષમન કિયા, ઓકે પુરુષાર્થ ઉસને જ્યાદા કિયા, મેરે સે આગે નિકલ ગયા. ફરી વાર તમારી દુનિયામાં અધિક પુણ્ય વિચારો, અમારી દુનિયામાં અધિક પુરુષાર્થ, તરત સમાધાન, ઓકે. સચ બોલો, એ આપકી માનસિકતા હૈ, સમાધાન કર સકતે હો, મેરે સે આગળ નિકલને વાલે કો દેખ કરકે મેરી આંખ ઈર્ષા મુક્ત રહેગી, ગુરુદેવ પ્રોમિસ, યદિ ઇસે આગે નિકલના તો મુજે પુણ્ય બઢાના પડેગા, ઓર યહાં આગે નિકલે તો પુરુષાર્થ બઢાના પડેગા, કોઈ વિરોધ નહીં, મેદાન ખુલ્લા પડા હૈ. રાકેશ પહેલે પૂછ લું, હૃદય ક્યાં બોલતા હૈ, આનંદ આતા હૈ નિશ્ચિત,
बहुत टफ है कल्पेश। 5 करोड़ का डोनेशन देना आसान है, मगर तू 5 करोड़ का डोनेशन दे क्या, और तेरे सामने को बोले कल्पेश 50 करोड़ में तूने 5 करोड़ दिए ना, उसने 1 करोड़ में 80 लाख दे ही दिए, और तुझे लगता है यार क्या बात करता है, मेरे सामने इनकी क्या जरूरत है। हम बोलेंगे नहीं जबान से तो बदगुआ छू बोलेंगे, अंदर आनंद नहीं आएगा, मेरे से इनकी तारीफ ज्यादा क्यों करती। तमने कदाच खबर नहीं तो कहू शू कहू, हिंसा में अपवाद है, ईर्षा में अपवाद नहीं। अध्यात्म जगत नो मार्ग तमने कही दू, हिंसा में अपवाद है, अपवाद नो अर्थ मैं सवार प्रवचन में कीधु ने सापेक्षता। किसी किसी निश्चित कारण के तौर पे तुमने हिंसा कर दी, माफ, ईर्षा बिल्कुल माफ नहीं। हिंसा के लिए तुम्हारे पास सही कारण हो सकते हैं, ईर्षा के लिए कोई कारण ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी कंपटीशन में कौन है? तुम अपने आप को मान के बैठे कि मेरी कंपटीशन में आप कुछ भी करो। फिर से मैं कहना चाहता हूं, कर्मग्रंथ की भाषा में तुमने कह दू, ब्रह्मचर्य में कोई अपवाद नहीं, ईर्षा में पण कोई अपवाद नहीं। आटला कारणसर मारे ब्रह्मचर्य तोड़वू पड़ू, कोई अपवाद नहीं। अनकंडीशनली ब्रह्मचर्य नु पालन करो, अनकंडीशनली मन ने ईर्षा मुक्त रखो, आवा कारण सर मारी ईर्षा करी, कोई कारण नहीं तारी आग, आवा कारण सर मारे गुरुदेव हिंसा करी पड़ी, ओके चाल कबूल, भगवान की आज्ञा आराधक जो हिंसा करी तो पण 6 डिग्री बुखार में, और किसी मुनि को मौसमी का जूस की बात बनाई मिलता ही नहीं, तो किसी सुश्रावक को बोल के कहा भी मौसमी का जूस चाहिए, तो हिंसा तो है ही, मगर आज्ञा का आराधक है वो। भगवान ने ये नहीं कहा मेरी आज्ञा को तूने भंग कर दिया, ओके बराबर है, 6 डिग्री बुखार में ये मस्त जरूरी है कर ले। कोरोना की बीमारी में मैं गया ब्रिज के भाई गाड़ी गया, गाली नहीं दी किसने, और मेरा खून का या किसी का रिपोर्ट निकले लैब में जाना पड़ता है, लैब में हिंसा है ही, समझे ना, खून यूरिन स्टूल टेस्ट ये सब हिंसा का कारण है, मगर वो आलोक ना आ सकती है, मगर इससे साधु जीवन हमारा खत्म नहीं होता है। पर ईर्षा नु पाप साधुपणा में पहले गुण ठाने ली जाए, हमने पहले मां मिथ्यात्व ली जाए, हिंसा वो हाथ का कलंगे, ईर्षा वो आंख का कलंगे। क्या है कारण? वही बस हम सुबह के प्रवचन में वही जीव द्वेष, मैं इनके पीछे रह गया वो कैसे आगे निकल गया। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूं, तुम अनुमोदना भी तो नहीं कर सकते हो, तुम्हारी बात नहीं कमेंट नहीं करता, पर घनी बार शू थे तुम्हारा घर तो कोई बता रहे डोनेशन आप, कोई एम कह के एने 2 करोड़ आप गामना डूबाड़ाया, मजा नहीं करता एना 2 करोड़ डोनेशन ने अपने केटलू कलंकित करिए, ये नालायक 2 करोड़ आप ओळखू छू एने कामना पैसा लीधा से, अरे 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 आ ईर्षा ना कारण तू नहीं दान की निंदा करो, निंदा समय की पाबंदी है। बाकी समय ग्रंथशाला में एक ईर्षा के लिए मैं दृष्टांत बताया, सिर्फ 5 मिनट में बता दूं, शिष्य था और गुरुदेव की उपस्थिति में गुरुदेव के आशीर्वाद से शिष्य प्रवचन करने लगा, और कुमार भाई प्रवचन इतना जबरदस्त कि गुरु को शिष्य की जलसी हो गई, ऊपर से आशीर्वाद अंदर से ईर्षा, ऊपर से अंदर से ईर्षा। अपने जीवन की समाप्ति के बाद शिष्य को गच्छ सौंप दिया, और ये गुरु ईर्षा में मर के साफ हो गए, सर्प की योनि में चले गए सांप,
और ये गच्छनायक बन गया, गच्छाधिपति बन गया, वो शिष्य आचार्य बना, अवधि ज्ञानी बना, अवधि ज्ञानी, और अपने शिष्य के साथ विहार करते थे। आकस्मिक दर में से सांप निकला, गुरुदेव काटने के लिए भागा, आजू बाजू शिष्य थे, उसने गुरुदेव को बचा लिया, सांप को दूर कर दिया। एक बार, दो बार, तीन बार वही सांप विहार करते करते गए, पीछे लगा और काटने लगा, अवधि ज्ञानी गुरुदेव थे। और एक और सांप बैठा था उसके दर के पास, दर के अंदर गया था, तो गुरुदेव वहां गए और अवधि ज्ञान का उपयोग रखा। ये कौन है, कौन तीन तीन बार मुझे काटने के लिए भाग रहा है, वो कौन? और तब पता चला ये तो मेरे खुद के ही गुरुदेव है। अर वो रो पड़ा, आपका नाम था नैसिल सूरी महाराज। दर के पास झांके गया, गुरुदेव यह बात तो मैंने कहीं सुनी है। दर में से मारा, डंक मारने के लिए दौड़े, अटली दुश्मनावट, गया जन्मनी ईशाना संस्कार मैंने मारी रखना तैयार थे। गुरुदेव आपने पहले बहुत बोला होता मैं प्रवचन नहीं करता, मेरी शक्ति आपको इतनी छुपती होगी मुझे कहां मालूम था, आपने तो बार आशीर्वाद दिए थे। गुरुदेव अभी रुक जाओ, अभी गुरुदेव रुक जाओ, और वहां लिखा है अनशन कर लिया गुरुदेव और जीवन समाप्त करके स्वर्ग में चले गए। एक आचार्य मर के सांप में गए और सांप मर के देवलोक में गया, यह है ईर्ष्या का पाप। मामूली मानते हो तुम, छल करना, दंभ करना, मैं खुश तेरा ग्रोथ हुआ, मैं खुश अंदर अंदर से दुखी, ये कहां से आगे निकल गया? हाथ को हिंसा से दूर रखो, आंख को ईर्ष्या से दूर रखो, और जबान को निंदा से दूर रखो। तीसरा कलंक ईर्ष्या से मुक्त होने का उपाय मैंने तो आपको बता दिया। आपकी दुनिया में यदि कोई आगे निकलता है, मान लेना उनका पुण्य ज्यादा होगा, और इस क्षेत्र में कोई आगे निकलता तो मान लेना उनका पुरुषार्थ जबरदस्त होगा। चंद्रशर्मा के प्रवचन में भीड़ होती थी तो मैं कागज लिखता था, वाह गुरुदेव वाह कमाल कर दिया, आपके समाचार दे रोंगटे खड़े थे, और वो सलाम दिल्ली की मेरी किताब पढ़ लेना। जब दिल्ली में मैं डिस्टर्ब था कि दिल्ली में इस माहौल के बीच में मेरा काम कैसे चलेगा, अनिवार्य टाइम चंद्रशर्मा, तो चंद्रशर्मा जैसा एमने टपाल ये भी लिखी थी कि ऑस्ट्रेलियानी सामे जिम्बाब्वे आवे जीते के न जीते पर आवे नहीं, ये ताकत है तमें तेरे आ ताकत लेने बैठा है, आओ अमारा आचार्य रत्न सलाम प्रणाम कागज वाँचो, तुम्हें कई हाइट ऊपर बैठा था ने शू अनुमोद ना करता था, कमाल एमनी जाहिर व्याख्यानी पाठ पर मारू नाम लेने बोलता था, एक मारा रत्न सुने संभलो मारा प्रवचन तुम्हें भूली जैसो, आ ताकत लेने बैठा। अपने से छोटे की हजारों के बीच में तारीफ करना, मांस खमण कर देना आसान है, एक बार ये डिफिकल्ट है। ये विषकन्या है जो नैसिल सीमा को सांप बना सकती है, तो मुझे और आपको कहां लेके जाएगी? और निंदा से जबान को कलंकित मत करो। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, हमारी निंदा का सब्जेक्ट कौन रहता है? चतुर्भुज संघ, कोई और? कोई कौन? राकेश कौन? ये साधु, ये साध्वी, ये श्रावक और श्राविका, और तो कोई नहीं ना। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, जिस परमात्मा
12.5 साल तक भगवान महावीर ने देशना दी, वो देशना देने के पहले जो भगवान श्री संघों को नमस्कार करते थे वही संघ की निंदा। कोई ना मरियो तुमने असाधु अमा साधवी अभी श्रम कमारा, अरे शू बोलो तुम्हें। इस सभा में बैठने वाले सबको मैं पूछना चाहता हूं, तुमने कभी महावीर की निंदा की? सपन में भी की? अब हम नहीं ना, महावीर की यदि निंदा नहीं कर सकते तो भगवान महावीर जिसको नमस्कार करते उनकी निंदा कैसे कर सकते हो? हर तीर्थंकर भगवान दृष्टांत देने के पहले नमो तीर्थस्थ श्री संघों को नमन करके भगवान दृष्टांत देते। भगवान केवल ही है, संघ छदमस्त है, फिर भी संघों को नमस्कार करते। अर्यंत परमात्मा के लिए वंदनीय श्री संघ, इनकी हमने निंदा शुरू कर दी। आ साधु बड़ा सूखा पर न फावे तो करे बेसी जाओ, गाड़ा गाड़ी देवना ना कतलखाना ना कसानी निंदा करी तमें क्या रे? रोज ना करो लाखों बकरा मारे से हरामपुर जी आवड बोलवा नहीं, पर एने तमें निंदा नहीं करी। लुच्चा लबाड़ लफंगा नहीं तमें निंदा ना करो, नहीं संघ नहीं निंदा। पानी ताना ની નિંદા કરી તમે ક્યારે નહીં, તો આ સંઘ તો તીર્થ છે। આપકો યાદ રખા દઉં, મલધારી હેમચંદ્રજીમાં વિશેષાંશ ભાષા મેં દો શબ્દ લિખતે હૈ, શ્રી સંઘ વો તીર્થ હૈ ઓર પ્રથમ ગણધર વો ભી તીર્થ હૈ। પ્રથમ ગણધર વો ભી તો તીર્થ, आज श्री संघ भी तीर्थ है। तीर्थंकर तीर्थ को नमस्कार कर दे, तुम याद रखो जिंदगी भर हर तीर्थंकर भगवान ये चतुर्वी श्री संघ रूपी तीर्थ को नमस्कार करते फिर देशना देते। आपकी जबान को खुली रख दी तुमने, बोला महाराज साहब स्वामी सुकाम से ना पाड़ी दो, आज शब्द नहीं बोल तुम्हारी आवन। निंदा नो आउटपुट तमने लखी दो, सुविग्रांक सूत्र की साक्षी आपूच। उत्तम स्थान अधम स्थाने पाती का निंदा तमने उत्तम स्थान की अधम स्थान में ली जाए, आ निंदा नो आउटपुट। उत्तम स्थान अधम स्थाने पाती का निंदा, बहु उत्तम ना स्थान में हो तमने सीधा अधम स्थाने फेंकी दे निंदा, आनो तमारी भाषा में अर्थ करूँ तो सीधो छे के गंगा जल ने गटर जल बना भी दे एनु नाम निंदा। गंगा जल ने गटर जल बना भी दे एनु नाम निंदा। आ शोधो कल्पेश इतनी पीड़ा है ना, कभी कभी मैं सोचता हूं तो लगता है कि हम कहां चुके हैं तो तुम कहां चुके, समझ में नहीं आता है। मैं दिल्ली नागपुर रायपुर सब जगह जाके उनका अनुभव और ये अनुभव कभी दुख होता है। यहां बैठे मेरे शिष्य सत्य की कोई भी रिंकार सुन कोई भी जो भी साधु बाहर जाते हैं, अरे ये मोक्षांग रत्नमय है, जो भी मैं खुद इनको पत्र लिखता हूं तो श्री शब्द लिखता हूं, मेरे साधु को भी मेरा शिष्य है। विन्यादी गुणोपेत मुनिश्री भव्य सुंदर विजयोग्य रिंका सुंदर श्री शब्द मैं खुद लिखता हूं गुरु होने के नाते। मेरे शिष्य को टपा लिखता हूं मैं श्री शब्द के साथ, इनको पत्र शुरू करता हूं और तुम बाहर निकल के बैठे रत्न सुंदर केम लागे शर्म नहीं आती। जय घोष शब्द मैं सांभळ्यो छे, जय घोष नु छू। आ ચંદ્રશેખર હું તમને કે અરે તું શું કોણ છે કોણ? નિંદામાં કરીએ કોઈની પારકે, નિંદાના બોલ્યા મા બાપ રે,
निंदक न छोड़े सग्गा माने बापरे। इंसान करना रो जी माँ बाप ने इंसान ही करे, निंदा करो रो गुरु ने निंदा करवा लागे। निंदा मा गुरु ने छोड़वाना नहीं, गुरुदेव आवो दिन ऋतु छे कौन बोलना रो। अने सर्व सामान्य तुमने बात करी दूं, जे अंगनो दुरुपयोग भवांतर मा ए अंग मणवानु खतम। આંખનો દુરુપયોગ ભવાંતરમાં આંધળા બનાવશે અને આ જીભનો દુરુપયોગ ભવાંતરમાં મૂંગા બનાવી દેશે। જીભ જ નહીં, કર્યા કર નિંદા આપે। જે દ્રષ્ટિ પ્રભુ દર્શન કરી તે દ્રષ્ટિને પણ ધન્ય છે। हिंसामो हाथ का कलंक, ईर्ष्यामो आंख का कलंक और निंदावो अने बीजी बात। ईर्ष्यामा जेम अपवाद नथी एम निंदामा पण कोई अपवाद नथी। अपवाद एटले समझा ने, अपवाद एटले नहीं, अपवाद एटले एक्सेप्शन ने, बराबर छूटछाट पण नहीं। ઇન્સાને હજી શાસ્ત્રકારે સ્વીકારી છે સકારણ, પણ નિંદાને સકારણ પછી મૂર્તિ તોડે મંદિર તોડે એની પણ નિંદા નહીં, માધ્યસ્થ ભાવ। ઓર ઇનકે લીએ શાંત સુધારસ નામ કે ગ્રંથને શબ્દ લિખા હૈ, યોપી ન સહતે ઇતમ ઉપદેશમ તદુપરી મા કુરુ કોપમ નિષ્ફલયા કિમ પરજન તપ્યા કુરુષે નિજે સુખલોપમ। लाख प्रयास के बाद भी उनका जीवन सन्मार्ग पे नहीं आता है तो मध्यस्थ भाव लेके बैठ, इनकी निंदा करके तेरे सुकृत को खत्म करने का पाप मत कर। तुमने खबर जा मैं शू समझे जे बीजा नी निंदा ये मारा सुकृत ने साफ करी ना कहे किम कुरु से निजे सुख लोपम, तारा सुख ने सुखम खत्म करे छे यार। तारी मस्ती तारी प्रसन्नता कोई नी निंदा दी खिलाता दे आ धंधो सुकाम करे तू। કુરુષે નીચે સુખ લોપમ, તારા સુખને તું ખતમ કરવાનું પાપ કોઈની નિંદા કરવાથી સુકામ કરે છોડ યાર એની વાત। અને નિંદાનું એક લોજિક કહું, લોજિક રાકેશ બહુ ગંભીરતાથી યાદ રાખજો, હું સાચું કહું છું, બસ આ આ લોજિક છે નિંદા નહીં, તમે આને અને તમે મામૂ નહીં માનો છો। ભગવાને આપણ ના પાડી છે, તું પોતે નીચે ઉતરી જઈશ, એને કર્યું છે વાત સાચી પણ એની ઉપર કોમેન્ટ કરવાનો તને કોઈ રાઈટ નથી, નહીં એટલે નહીં। માંસ ખમણમાં પણ એ રાતના ખાતો હતો, કદાચ ખાતો હશે તો એનું માંસ ખમણ એની કર્મ સત્તા આપણે હાથમાં નિભાવી જોઈએ નથી, શું કામ પણ મોઢામાં આંકડા નાખીને બોલાવો મારે નથી કેવું, કે આઈ એમ નોટ રેડી ટુ કોમેન્ટ ફોર ધેટ। તમને આનું શું લાગે છે, ગામના 10 કરોડ રૂપિયા બુક દબાવીને આ માણસે ભગવાનના દેરાસરની પ્રતિષ્ઠાનો આદેશ લીધો, લેવાય ના પાડી દો, આના ઓથોરાઇઝ આચાર્ય ભગવાન છે જેમની નિશ્રમ આદેશ મળ્યો છે એમને પૂછજે, મારું કામ નથી, યુ કેન ગીવ આન્સર। એની લોજિક ના પાડી દેવાની, અહીંયા બેઠેલા કોઈ પણ એમ કે મેં કોઈની નિંદા સાંભળી જઈ નામ આજે પ્રાયશ્ચિત માંગી દો, આટલી સભામાં બેઠેલો કોઈ એમ કે સાહેબ મેં આપની આગળ કોકની ગંદી વાત કરી દીધી અને આપે દીધ લઈને સાંભળી હતી, હું આ પાઠ ઉપર તમને કોઈ પ્રાયશ્ચિત માગી લઉં, હું નિંદા કરતો નથી ને કોઈની સાંભળતો નથી, નહીં નહીં એટલે આવવાનું જ નહીં અમારી આગળ વાત કરા, બન્યું હશે ખોટું નથી કે તમે મારે નથી સાંભળવું, મારા આસનની બાજુમાં કોઈ કચરો નાખી જવું ના પડું, મારા ખાનમાં કચરો શેનો નાખે તું, આપણા ઘરમાં બાજુમાળો કચરો નાખી જાય આપણે ના પડીએ, આપણા ખાનમાં દુનિયાભરનો કચરો સંઘનો કચરો તો સંખ્યા પણ નાની તો નથી,
छद्मस्थ तो छे छद्मस्थ नो अर्थ समझा तमने शास्त्रीय परिभाषा बताऊं छद्मे तिष्ठ दीदी छद्मस्थ इनका अर्थ लिखा है जो गलती में बैठा है वही छद्मस्थ अर्थ लिखा है गलती में बैठा है वही तो छद्मस्थ माने गलती में बैठा गलती करेगा ही कमेंट क्या करने की बात है केवल नानी गलती करते नहीं छद्मस्थ गलती करते तो करते तो करते हैं तो उसको कमेंट करने की जरूरत क्या है एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ सोक्रेटिस के बाद एक लोग आए और सोक्रेटिस को मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ सोक्रेटिस ने तीन प्रश्न पूछा आप भी किसी से बात सुनो नहीं इनके पहले तीन प्रश्न पूछ लेना सबसे पहली बात सोक्रेटिस ने वो पूछी तू जो बात करने के लिए आया वो मेरे काम की है तो आपके काम की नहीं है तो फिर मेरे पास क्यों लेक्चर ठोकने के लिए आया मैंने काम किए नहीं नहीं मेरे मुझे मन में है कि आपको बात सुना दूं ठीक है सेकंड नंबर वो बात सही है क्या मे बी मैंने सुना है देखा नहीं है और तीसरी बात वो सुनने से मुझे और तुझे कुछ लाभ होने वाला है तो क्या नहीं घर भेजा एक तो मारा काम नहीं बात नहीं 100% साची से तू कहते नहीं अने मने तने कई लाभ थायो नहीं पजी आ टाइम बगड़वानी जरूर शू सद्भाव हूँ सद्भाव गुंडागिरी लेने आवो बड़ी उम्मीद के साथ गुरुदेव आया था वो सद्भाव लेके गटर जल लेके ले लो गटर जल अने घणी मन तो एवं थे टीवी लोग दूर थी जुबे निंदा नजीक थी हमने कान में के जैसे अने ओलो पण तमने आंबड़ता पेला एक रीते बंधियो तने कहू छू कोई कहते नहीं शू आ निंदा नु गणित छे यही होता है आचरण सुईडंग ठाणंग आचरण आयरो सुगड़ो ठाणंग ये तीसरे नंबर का आगम चलता है मैंने दूसरे नंबर की आगम की साक्षी बताई उत्तम स्थानात अधम स्थाने पाति का निंदा सीधी आपकी भाषा में मैंने बता दिया गंगा जल को गटर जल बनाने की चेष्टा वो ही निंदा यदि आप भी चाहते हो भले गटर जल बन जाए वो आपकी जिम्मेदारी आपको मालूम है अभी मैं कुलक में पढ़ के आया अपने उपकारी की उपकारी गुरुदेव की प्रत्यक्ष में और परोक्ष में जो निंदा करता है अनंत जन्म तक वो जीन वचन से दूर हो जाता है पच्चकम परोक्षम वा अवन्नवायम जो कुण ही प्राकृत शब्द आपको पता नहीं इसलिए मैं इनका हिंदी करता हूँ प्रत्यक्ष में या तो परोक्ष में सामने से गुरुदेव तमें आ भूल करी अने बीजा नहीं आगे मारा गुरुदेव छे ने पक्षपात थोड़ो वधारे पड़तो बोलो प्रत्यक्ष में के परोक्ष में गुरु ना अवर्णवाद करना शिष्य अनंत जन्म सुधी जिनेन्द्र वचन गुमा भी बैसे आपकी इच्छा हाथ को हिंसा से मुक्त रखो आंख को हिंसा से मुक्त रखो कान को निंदा से मुक्त रखो और मन को माया से मुक्त रखो मन और माया आपने वो स्तवन सुना होगा ऐसी दशा हो भगवान ऐसी दशा हो भगवान जब प्राण तन से निकले गिरिराज की हो छाया मन में न होवे माया माया मन का सब्जेक्ट है और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा सामने वाले के क्रोध को समझने में दिक्कत नहीं आएगी
सामने वाले के अभिमान को भी हम पकड़ पाएंगे, सामने वाले के मन में लोभ है वो भी समझ में आएगा, माया समझ में नहीं आएगी। नहीं, इनके चेहरे से पता चलेगा अंदर क्रोध की आग जल रही है। आप बोलेंगे इनकी चाल में पता चलेगा अभिमान है यार। क्रोध, मान और लोभ समझ में आता है, माया पकड़ में नहीं आती, इसलिए मन में माया। और माया बोलो, कुटिलता बोलो, दंभ बोलो, सब एक ही। और इनको लेकर अध्यात्म सार ग्रंथ जो बात करता है वो बात आपके सामने रखना चाहता हूं। एक ही कोटेशन माया का, सुत्यजम रसलाम्पट्यम। जिंदगी पर छह विघ का त्याग करना आसान है, ये लिखने वाले उपाध्याय यशोई महाराज, ग्रंथ का नाम अध्यात्म सार और इनका श्लोक सुत्यजम। सुत्यजम माने आसान। आप बोलो कि गुरुदेव जिंदगी पर छह विघ का त्याग, नहीं नहीं, दूध नहीं, घी नहीं, अरे मिष्ठान नमकीन फ्रूट्स, आप बोलो वो कर दूं। सुत्यजम रसलाम्पट्यम, दोष आसान है। सुत्यजम देह भूषणम, एक भी गहना नहीं पहनूंगा, जिंदगी भर मर्यादा के ड्रेस में रहूंगा, देव की विभूषा, साबुन नहीं लगाऊंगा, कभी मेकअप नहीं करूंगा। सुत्यजम, वो भी आसान है। सुत्यजा काम भोगा दिया, पांचों इंद्रिय के विषय का त्याग करना मेरे लिए आसान है। गुरुदेव आपसे जिंदगी भर पिक्चर बन, मोबाइल में कुछ गलत नहीं देखूंगा, ऐसा स्पर्श कभी नहीं, मेरे पैर वहां कभी नहीं जाएंगे गुरुदेव होटल की ओर। अध्यात्म सार ग्रंथ ये लिखता है, दोस्त ये भी आसान है। हमें लगता है कि कितना टफ है। सुत्यजम रसलाम्पट्यम, सुत्यजम देह भूषणम, सुत्यजा काम भोगा दिया, दुस्तजम दंभ सेवनम। दंभ का त्याग इससे भी कठिन, छे विगई का त्याग सरल, मेकअप से मुक्त जीवन सरल, पांच इंद्रियों के विषय का जीवन भर के लिए त्याग सरल, मगर माया से मुक्त मन बहुत डिफिकल्ट। और एक बात, इस सभा में बैठने वाले जो भी है, इनको माया की सज्जा यदि याद है, मकरीश माया लगा, हे आत्मन छोटी सी भी माया मत करना। इनका कारण माया मा मिथ्यात्वरे प्राणी, मकरीश माया लगा। माया तूने की, माने मिथ्यात्व को तूने आमंत्रित कर दिया, अपने आप से तो जिन शासन ने बाहर चला गया। छल, कपट, कुटिलता, दंभ, पॉलिटिक्स, जो कुछ भी बोले वो। और मैं आप भूमिका को लेके इतना कहना चाहता हूं, आप सभी के पास खुले मत हो, मगर दो व्यक्ति के सामने जिंदगी में कभी माया का पाप प्लीज 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 कभी मत करना। बे व्यक्ति ने हमेशा ए एड्रेस से माया नु पाप कैरी नहीं करता, एक तो उत्तम अने बीजा उपकारी। अब इन्हीं अगर माया कैरी नहीं करता, जो आपके उपकारी वो आपके माता पिता हैं, एनी साथे माया। એની ક્યારેક લાગણી ભરેલી આંખ તો જુઓ ને, જે દિવસે ને થાય મારા દીકરાએ મારી સાથે વિશ્વાસઘાત, બેટા મારી સાથે, ગુરુ સાથે રમત અને મા બાપ સાથે રમત ક્યાં જવું છે પછી? માયામાં મિથ્યાત્વરે પ્રાણી, મકરી છે માયા લગાર। ઓર આપકો એક ઓર બાત બતાના ચાહતા હું, ઉત્તમ ઓર ઉપકારી મેં
नंबर एक उत्तम का नहीं, नंबर एक उपकारी का। हर उत्तम उपकारी नहीं होते और हर उपकारी उत्तम भी तो नहीं होते। आ सभा में बैठेला बद्दा पर आ मैथमेटिक्स समझी राखो, बद्दा उत्तम आत्माओं तमारा उपकारी न पण होय। आगम बराबर, अमेरिका में कोई ने 5 करोड़ डोनेशन किया उत्तम जरूर है, मगर मेरे उपकारी नहीं है, मेरे जिनमें का कोई रोल नहीं है। तो उत्तम छे पण उपकारी नथी, अने बनी सके मारा माता पिता मारे माटे उपकारी छे पण उत्तम नथी, नथी नथी कबूल। ख्याल आवे छे ने? साचु बोलो, वेश्यानो दीकरो पण पोतानी माने उपकारी तो माने ने, कोई ने के तारी माँ वेश्या छे, हशे मारी माँ छे, मने 9 महीना ने पोताना पेटमां नाख्यो मारे माटे उपकारी छे, प्लीज मारी मानी हूँ निंदा तो नहीं करूँ, नेवर, मारी माँ उपकारी छे मारे माटे। उपकारी उत्तम न होय, उत्तम उपकारी न होय, बेनी एकेनी निंदा नहीं, नहीं। मारो बाप लबाड छे, बे लफंगो छे, मारा माटे उपकारी छे एनी बात नहीं करूँ। अने बात करी दू तमने, पंचाशक नामना ग्रंथ में हरिभद्रिसमां एक शब्द लख्या छे, उपकारी नुं नाम संडास आगळ, बाथरूम आगळ, गटर आगळ ले एने प्रायश्चित आवे, નામ નથી લેવાનું ઉપકારી। તમે ગટર સંડાસ અને બાથરૂમ આગળ તમારા મા બાપનું કોઈ સાચા કારણસર પણ નામ નહીં, સ્થાન ગલત છે, અહીંયા મારા મા બાપનું નામ પ્લીઝ નહીં। અને એની સામે માયા, ઓર સે જ્યાદા જ્યાદા ક્યાં હોય, અમે ગુરુદેવ કે સામે ખુલ્લા હો જાતો ચાટા મારશે તો ઓર તો ક્યાં હોતા હે, કપડે પહેન કે તો વો તો નહીં બોલતે સાધુ, સુત્યજમ રસ લાંપટ્યમ, સુત્યજમ દેહભૂષણમ, સુત્યજા કામ ભોગાદ્યા, દુસ્તજમ દંભ સેવનમ। ઓર યે સભા મેચ્યોર ઇસલિયે કહેના ચાહતા હું, માયા મેં મર્ડર ભી હો સકતા હૈ, માયા ભી કિસી કા મર્ડર ભી તો કર સકતા હૈ, ભરોસા દિયા થા કાટ દિયા ઉસને। 15 साल से भरोसा को लेकर के तुम्हें पार्टनर बना दिया, तुम्हें लगा अभी फिट उनका मेरे पे भरोसा है, और तुमने चीटिंग कर दिया। और वो बोलता है यार तुमने खबर छे विश्वासघात कहते रहे जे विश्वासघात नो शिकार बने, तुमने एक बात कही दू, संबंध में थी प्रेम जाए तो चाले, विश्वास क्यारे न जगो छी, संबंध में थी प्रेम जाए तो कोई वांधो नहीं पण विश्वास क्यारे न तूटो छी, अने माया विश्वास तोड़े छे। તમને ખબર માયાનો માયા મારી સાથે તમે માયા કરી એની મને ખબર પડે, પછી પહેલું મારું મુકેશ કહેવાનું શું હોય, દોસ્ત તે કર્યું મારી સાથે, વિશ્વાસઘાત માણસને એટલા માટે થોડી ના કરજે, તારી તારી આગળ આવી આપી શાંતિ આખી તું તું કરી ગયો મારું। ગુરુ શિષ્યને કે દોસ્ત તું મારી અને જૂઠું બોલી ગયો, મારી સાથે મારી સાથે। અને એક વાત કહી દઉં, પ્રેમ તૂટે ત્યાં સુસાઇડ કદાચ નથી પણ થતું, વિશ્વાસઘાત માણસને આપઘાત કરવા મજબૂર કરી દે છે। અર આ દુનિયામાં એક એડ્રેસ હતું મારા વિશ્વાસનું, એને તોડી નાખ્યું, લખવું તો લખી નાખો, શરીર શ્વાસથી ચાલે, મન આત્મવિશ્વાસથી ચાલે, પણ સંબંધ વિશ્વાસના પાલનથી ચાલે। શ્વાસ આત્મવિશ્વાસ અને વિશ્વાસ, શરીરથી જીવે એ શ્વાસ છે, આપણો ઉત્સાહ જીવે એ આત્મવિશ્વાસ છે, અને આપણો સંબંધ જીવે તે વિશ્વાસ છે। શ્વાસ વિશ્વાસ અને આત્મવિશ્વાસ, તમે જ્યારે વિશ્વાસઘાત આપણે કોકનો કરી જેનો વિશ્વાસ તૂટી જાય ખલાસ। અને તમને કહું, નજીકવાળાનો જ્યારે વિશ્વાસઘાત કરીએ ત્યારે એના મનમાં એક વાત આવે છે, હવે આ દુનિયામાં કોઈની ઉપર ભરોસો મૂકવા જેવો નથી, ક્યાં સુધી તમે આ પાપને ક્યાં સુધી ખેંચી ગયા? આ 5 નાગણ છે અધ્યાત્મ જગતની, હાથ કોઈ ઈર્ષા સે બચાવો, આંખ કોઈ ઈર્ષા સે બચાવો,
जबान को निंदा से बचाओ, मन को माया से बचाओ और पूरे शरीर को वासना से बचाओ। ये पांचवें नंबर की नागिन। वासना का केंद्र स्थान अब्रह्मन ही, पांच इंद्रिय है। आंख से ब्लू फिल्म देखना वो भी वासना। आप बोलो मैंने व्यभिचार नहीं किया, यही व्यभिचार, इसकी मैं साक्षी देना चाहता हूं। दस विकल्प सूत्र में मिच्छा विक्रम पक्षी सूत्र में हमारे बात आती है, सद्दा रुवान सा गंदा फासानम पभियानना मेऊन सबिरमणे ये सब उत्तेक में। हे भगवान, पांच इंद्रिय में शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, इनके पीछे में पागल बना और अब्रह्म का अतिचार मैंने सेवन किया, इनका मैं मिच्छा विक्रम मानता हूं। वासना शरीर केंद्रित एटला माटे पांच इंद्रिना विषय ने पकड़े छे वासना। अने एक छेल्ली बात करी दू, बधी नदीओ सागर ने मळे छे, बधी इंद्रियो छेले वासना ने मळे छे। होटल में जाकर के नॉनवेज खाना वो भी अब्रह्म है। बिन जरूरी शरीर पे इत्र छिड़कना और मादक मात्रण खड़ा कर देना। एक बात कही, गुजराती भाषा में तुमने कही दू, खूब गंभीरता दी समझो, मन उत्तेजित थाय अने इंद्रियो आकर्षित थाय ए बधा स्थानों वासनाना छे। पांचे इंद्रियो ज्यां आकर्षित थाय अने मन उत्तेजित थाय आ बधा स्थानों ए वासनाना स्थान छे, एनी दोस्ती नहीं करता। और ये सभी की बात छह दिन के सेशन की बात यदि दो शब्द में कहना चाहूंगा, अहंकार ये संसार नो राजा छे अने आसक्ति ये संसार नी राणी छे। दो ही पाप, हर पाप दो में ही आ जाता, एक अहंकार नंबर दो आसक्ति। आखा ये संसार नो राजा अहंकार छे और एक संसार नी राणी आसक्ति छे। मन केंद्रित अहंकार छे अने शरीर केंद्रित आसक्ति छे, बे छे। गुरुदेवे छे दिन की वातना के बाद में कंट्रोल कहां करना, दो को बराबर टारगेट बना दो। अने एनी पण एक सरस मजीनी बात कही दू, आटलू ज करजो, आटलू ज उत्तम अने उपकारी आगळ अहंकार प्रदर्शित नहीं करो। पहली शरत नहीं थी, आखी दुनिया में जे करवू है तमे करजो, बस आटलू कम से कम करजो, हूँ जेने उत्तम मानु छू अने जेने उपकारी मानु छू त्या मारा अहंकार नू प्रदर्शन नहीं करू। नेवर, नहीं। मारा गुरु आगळ मारो अहंकार, मारा मामा आगळ मारो अहंकार, ओळखो ने मने कोण छो, कोनी आगळ तू बोले छे। मेरे उत्तम और उपकारी इनके सामने मैं अहंकार कभी नहीं करूंगा। कितनी सरस बात तमे समझी रखो, उत्तम आगळ अहंकार नहीं करूं अने अधम आगळ जेवा पदार्थो छे त्या आसक्ति नहीं करूं। फरी वार, अधम माणस आगळ पण जे चीजो छे एवी चीजोनी पाछळ आसक्ति नहीं। ना ख्याल आव्यो प्रकाश, शुं शुं एक नंबरना लबाड़ आगळ पण दस लाखनो मोबाइल होई शके, होय ने, अधम आगळ ये भी आसक्ति नहीं करूँ। आ दुनिया में नीच में नीच गणाता मणस आगळ जे पदार्थ एनी आसक्ति नहीं करूँ अने उत्तम ने उपकारी सामे अहंकार नहीं करूँ। दैट्स ऑल, बात पती गई अपनी। ये जो आसक्ति मगर जा नहीं सकती उनका नाम आसक्ति। हाँ, मुश्किल है।
અને તમારી દુનિયાની વાત કરું, લગ્ન સહેલા છે, છૂટાછેડા બહુ મુશ્કેલ છે. આસક્તિના સંદર્ભમાં તમને વાત કહું છું, લગ્ન સહેલા, છૂટાછેડા બહુ મુશ્કેલ. સવારના ચા પાણી પીવા બેઠા ને કલ્પેશ, આજ સુધી તું ખાખરોને ચા જ પીતો હતો અને કોકે ગાંઠિયાનો આગ્રહ કર્યો, તને લાગ્યું અબાધોને બહુ આગ્રહ છે. પ્રમોદભાઈ તમે કીધા ને માન જાળવવા માટે આજે ગાંઠિયા વાપર્યા, કાલે બીજે દિવસે આપ્યા, ત્રીજે દિવસે ના આપ્યા, એટલે મન કહેશે હવે છૂટાછેડા થાય એવું નથી, ગાંઠિયારે લગ્ન થઈ ગયા આપણા. ખ્યાલ આવે તને? બરાબર છે ને? અત્યાર આ પૂતગલના જગતમાં યાદ રાખજો, લગ્ન સહેલા જે છૂટાછેડા પાણી ઉતારી નાખશે. કોઈ પણ નવી ચિત્તે જીવનમાં પ્રવેશ નહીં આપ્યો ત્યાં સુધી તમે રાજા છો. પણ પ્રવેશ આપ્યા પછી તમે કહો કે મરજી પડે ત્યારે છોડી દઈશ, તમારી નહીં, કંડરીક મુનિવરની તાકાત નહોતી. ઇતના અચ્છા સંયમ કા પાલન કરને કે બાદ સ્વાસ્થ્ય બિગડા, ઓર યે ગોચરી પાણી સે સ્વાસ્થ્ય અચ્છા નહીં હોતા થા. આ ગુરુદેવ ને કહા એક કામ કર, ચલ રાજમહેલ મેં જા, અપને બડે ભાઈ રાજા, અપને બડે ભાઈ કે ઘર મેં રાજમહેલ મેં ગયે, બિગડા હુઆ સ્વાસ્થ્ય અચ્છા કરને કે લીએ ગોચરી અચ્છી ચાહીએ. ઓર રાજમહેલ કી ગોચરી કે બાદ કંડરીક મુનિવર કા સ્વાસ્થ્ય અચ્છા હો ગયા. અરે અચ્છા હોને કે બાદ ગુરુદેવ ને બોલા અચ્છા ગયા, અભી આ જાઓ. મગર અભી આને કે બાદ સ્થિતિ વો બની, ચાલુ ગોચરી જમતી નહીં થી, વો રાજમહેલ કી ગોચરી યાદ આતી થી. યહાં બિના ઘી કી રોટી ઓર વહાં ક્યા થા, યે ટેલી ચલી ઓર હુઆ આખિર ક્યા, ખુદ કે ગુરુ કો બોલ દિયા મેં સંયમ છોડ કે ઘર પે જાના ચાહતા, તું ક્યા કરતા હૈ બસ નહીં મેરા નિર્ણય હૈ. ક્યા હુઆ માલૂમ હૈ? ગુરુ ને બાત સમજાયા, મેં અભી રે નહીં પડતા હું, યે ગોચરી મુજે નહીં જમતી, ક્યાં હુઆ શાદી હો ગઈ, ડાયવોર્સ નહીં હુઆ થા. મુનિ જીવન 1000 સાલ કા દીક્ષા પર્યાય, 1000 વર્ષ નો સાધુપણ કો તું કહી ગયો મીઠાઈ માં. ઓર ઇનકે ભાઈ કો પતા ચલા, મેરા ભાઈ મુનિ જીવન છોડ કે આ રહા હૈ. તમે આ વાંચો, કંડરીક પુંડરીક ની સજાય, આંખ માં દી આંસુ ચાલે જાય, અપને ભાઈ કો લગા મેરે ભાઈ કો મુજે બચાના હૈ. યે રજોરણ હૈ ને, અપને ગાંવ કે આને કે પહેલે પેડ પે રખ દિયા હૈ, ઓર ખુદ કા બડા ભાઈ આયા વંદન કરને કે લિયે, દેખ લિયા સંયમ ભ્રષ્ટ હો કે આયા હૈ, મુજે પીછે પૂછે બિના ઉપર તો રખ દિયા, દેટ મીન્સ છોડના પક્કા હૈ ઉનકા, ફિર ભી મેરે ભાઈ કો મેં બચા લું. કંડરીક કો 3 પ્રદક્ષિણા દી હૈ, કિસકો? જિસને અપને રજોણ કો ઉપર રખ દિયા થા, સ્વયં ભ્રષ્ટ બન ચુકા થા, ઇનકો 3 પ્રદક્ષિણા, 3 પ્રદક્ષિણા દે કરકે સ્થાપના કી હૈ. ભાઈ આપકે પાસે જો સંયમ જીવન હો, સંયમ જીવન પાને કે લિયે અનંતવાસી દેવતા ભી તલસતે હૈ. ક્યા આપકા જીવન ઇતની તારીફ કરને કે બાદ ભી, સબ કુછ બોલને કે બાદ કંડરીક ને કહે દિયા, આપ કિતની ભી તારીફ કરો, મેં સંસાર છોડ કે આયા હું, ઓર મુજે આપકે ઘર આના હૈ. ક્યા કરતે હો? બસ યહી ફાઇનલ નિર્ણય મેરા. ઓર તુમે માલૂમ હૈ ક્યા હુઆ? પુંડરીક ને લાગ્યું, અરે અરે 1000 વર્ષનો સંયમ, એક મીઠાઈના ટુકડો છોડા ભી દે, વૈરાગ્ય એમને આવી ગયો અને પોતે દીક્ષાના માર્ગે નીકળી ગયા. કોણ? મોટા ભાઈ. અને આ કંડરીક ઘરે ગયો. તમે ક્યારે આમાં કથા સાંભળો, અમે તો પાગલ થઈએ કે ભગવાન બચાવ્યા. એક દિન અપને ઘર પે પહોંચા ઓર સબકો પતા ચાલા ગયા ખાને કે લીએ ઉસને સંયમ છોડ દિયા. પૂરે રાજમહેલ મેં ઇનકે પ્રતિ તિરસ્કાર કા ભાવ થા, ઇતના ખાનદાન છોડ કે નિકલા ખાને કે લીએ, ઓર વો ભોજન કે લીએ બેઠા, લાઓ ખાને કા લાઓ, ઓર આઈટમ દે દી ટોપ. રાજમહેલ થા, પહેલે ભી આ ગયા થા, ઉનકો માલૂમ થા રાજમહેલ કી ભોજન ક્યા હોતા હૈ, સબ કુછ ખાયા, મગર ખાને મેં કંટ્રોલ નહીં રહા, દબાવી 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 ને ખાધું. એ જ રાતમાં પેટમાં ભયંકર પીડા ઉપડી, જીવન સમાપ્ત થઈ ગયું, 7મી નરકમાં રહ્યા. એ જ રાતમાં ઓનલી 1 ટાઈમ ભોજન ઓર 7મી નરક, યે આસક્તિ કા પાપ. ઓર અપના ભાઈ પુંડરીક ગયા થા, યહાં એ સાધુ જીવન છોડ કે આયા, ઓર વો અપને આપ સે સાધુ કે કપડે પહેન કે ગયા થા,
और उसने इतना ही सोचा कि करे भी बनते गुरुदेव के पास जाकर के लूंगा, अभी अपने तो ले लिया, और वो उपवास का पचकान लेके गए और गुरुदेव के पास जाके खड़े रह गए। कंड्रिक नु पतन पुंडरिक ना उत्थान नु कारण बनेगी, तिरस्कार नहीं करे। आ कर्म सत्ता मारा भाई ने हजार वर्ष संयम खाली मिठाई छोड़ा भी दे मारू शू थी सके। अने गया गुरुदेव मारी मेड़े कपड़ा पहरिया छे, आप चारित्र आपो। अने गुरुदेव चारित्र आप्यो, राजा नु शरीर छे अने गुरुदेवे पाणू करवा बेसाड्या। तमे जुओ कौंडरिक एक दिवस खाई ने सातमी नरक में गयो अने पुंडरिक मुनिवनु शरीर राजा नु हतुं। आवो खोराक मुनि जीवन क्यारे वापर्यो नतो, ए लुक्का सुक्का रोटला पाणी थी कदाच पाणू करवू पड्यू, ए खोराक एमने पण पच्यो नहीं अने एज वक्ते एमनु पण मौत थयुं। कौंडरिक सातमी नरक में गयो, पुंडरिक सर्वार सिद्ध विमान में बे भाई बच्चे 14 रात लोकनु अंतर पड़ी गयु। 14 रात ये है आसक्ति का पाप, हिंसा वो आंख का कलंग, ईर्ष्या वो हाथ का कलंग, ईर्ष्या आंख की कलंग, निंदा जबान की कलंग, माया मन की कलंग और वासना शरीर की कलंग। 3 दिन की वासना भले आज विराम ले रही है, आपने जो आनंद उठाया हो, मगर मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मैंने मन से सोचा अभी वाचना हो तो 3 दिन की नहीं 5 दिन की कम से कम। वो आपकी बात है, मैं खुद इतना आनंद महसूस करता हूँ और बोलते बोलते मैं भी अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ कि मैं भी कहाँ हूँ। जय सुंदर सीमा की दीक्षा का समय था, बोटाद में दीक्षा चल रही थी। लास्ट बात करना चाहूँगा वो बोटाद की दीक्षा, बोटाद कंदोई नू गाम जैनों खणा गोचरी में जाओ ने पेंडा मड़े रोज निर्दोष, और दूसरे दिन गुरुदेव के पात्र में पेंडा रखने का प्रयास किया, गुरुदेव ने बोला नहीं, गुरुदेव निर्दोष मालूम है। मगर रत्न ने मैं बोला क्यों नहीं, सब साध्वी कट रहे, गुरुदेव कल रात को बोटाद श्री संघ के बीच में पुरुषों की सभा में धन्नाणगढ़ की सजाए तुमने सुनी थी क्या? गुरुदेव सबने सुनी थी, तारीफ करने के लिए नहीं, पूछना चाहता हूँ कैसी लगी थी? गुरुदेव कमाल, आपके मुझसे ये सज्जा हमने बहुत बार सुनी, मगर कल आपने जो गला खोल दिया था ओह हो वो दिमाग काम नहीं करता है। और इसमें भी गुरुदेव, जब धन्ना ने भगवान महावीर से ये पचखांड मांगा था, भगवान आप एक पचखांड दे दो मुझे, करे भी बनते तो आपने बोल दिया, मगर एक पचखांड जिंदगी भर के लिए, वो गुरुदेव आपने जो बोला था ना, छठ तप आंबिल पालने करवो जावत जीव, एमा ही ओछो नहीं ये तप करवो सदैव। गुरुदेव क्या आपने खींचा था, जीवन भरने माटे छठने पाने आंबेल भगवान नियम आपी दो धन्ना ने, रत्न सुंदर सुनने वाले तो सुनते थे मगर मुझे याद आया मेरी जीवन पर आजीवन छटके पाने आंबेल करने वाला धन्ना कहाँ और मैं खुद कहाँ। काल नि सज्जा बोलता बोलता मैं जिंदगी भर मीठा नो त्याग कर दी, आज से कभी मुझे मिष्ठान की विनती मत करना। ये भुवन मानुसुरी कोई नाम नहीं है, युगो सुधी जल हर्षे भुवन भानु नाच वाला, हम इनके पीछे कितने पागल हैं हम शब्द में बयान नहीं कर सकते। वातना में आपको जो भी आनंद आया
6 सेशन में खुद अपने को ऑब्जर्व करते रहा। मैं भी गलती लेके बैठा हूँ और मैंने पूरे जीवन में निर्णय कर दिया ये गलती अभी जिंदगी में कभी नहीं होगी। मैं आपसे भी इतना ही कहना चाहता हूँ, उत्तम अने उपकारी आगळ अहंकार नहीं अने अधम आगळ जे पदार्थो छे एनी आसक्ति नहीं। यदि दो आ गया, मैं आप सभी को दिवाली के दिन इतने नज़दीक होने के बावजूद ये आगम वातना के लिए इस टाइम में आना और इतने दूर दूर से आना, लाख लाख धन्यवाद। बाहर से आने वाले सभी मेहमान की एक गजबनाक व्यवस्था बनाने का प्रयास पलक कल्पेश यंग अलर्ट ग्रुप के सब कार्यकर ने जो किया उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। और ये चौके चलाने वाले वो कोई पब्लिसिटी नहीं है, इतनी साधर्मिक भक्ति का भाव, चाहे 1,000 आवे चाहे 10,000 आवे 2,000 आवे, बस वो पैर जमीन पे रख कर के चलते हैं। इनकी इस साधर्मिक भक्ति भी बहुत बहुत अनुमोदना। और ये माहौल, ये प्रिमाइसिस, ये बोलने का जो उत्साह जगता है, ये स्थान का भी बहुत प्रभाव है। लब्धि निदान श्री संघ के ट्रस्टीगण सभी के लिए, और जिन जिन लोगों ने आयोजन में कंधे से कंधे लगा के काम किया है उन सभी को धन्यवाद। लगता है ठाणांग सूत्र भी हुआ, आने वाले दिनों में और डेप में जाने के लिए ये तीसरे नंबर का आगम, यदि होगा चौथे और पांचवें नंबर के आगम में जाएंगे और डेप में जाकर के हमारे जीवन को बनाएंगे। 6 दिन के सेशन में अनजाने में भी भगवान महावीर के वचन के विरुद्ध, शास्त्रकार के वचन के विरुद्ध इंटरप्रिटेशन करने में भी गलत महसूस हुआ हो, अंतकरण से मिच्छा में विक्रम भागता। छेल्ला सेशन ना प्रश्नोत्तरी में जाइए ते पूर्वे अजाणता के अजाणता अमारा तरफ थी प्रश्नोत्तरी नहीं, कोई पण प्रश्नोत्तरी नहीं जी, कोई पण भूल थई होय तो त्रिविधे मिच्छामी दुक्कड़म, गुरु भगवंतों ने साध्वीजी भगवंतों ने अभवार बधा वती थी, कोई पण भूल थई होय तो मिच्छामी दुक्कड़म। आगम वाचना 6-6 सेशन अपना माटे एवं जबरदस्त भाथू है, ये भाथू अपने अहींथी लईने जवू छे, अपने बधुज बेग में पैक करीए छे, बेग पैकिंग थती होय त्यारे पैक करी अने छेल्ले बधो सामान भेगो करी याद करी अने एने बराबर रीते छेल्ले पैक करता होईए, એજ પળને એને જ પ્રમાણે બરાબર એક એનાલોજી લઈ આવો, અત્યારે છેલ્લી 2 મિનિટ એક આપણે નાનકડો સંકલ્પ કરીએ, બધું અલગ અલગ જગ્યાએથી કબાટમાંથી લઈને બધું વીણી તો લીધું, ગુરુ ભગવંતોએ એટલા બધા મોતી વરસાવ્યા, આપણે આપણી પ્રમાણે જેટલી જેટલી શક્યતા છે આપણી શક્તિ છે પ્રમાણે મોતી ગ્રહણ કર્યા, હવે બધું જ ગ્રહણ કરી આવો છેલ્લે સમરાઈઝ કરી પેક કરી અને આપણા પોતાના પડીકામાં ભરી લઈએ કે અહીંયાથી જવાનો સમય આવે, એક નાનકડી 1 મિનિટની સંવેદના લઈએ, શક્ય હોય તો આંખો બંધ કરી અને એક નાનકડો સંકલ્પ કરવો છે, પરમાત્મા લબ્ધિ નિદાન મંડળ શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુને નજર સમક્ષ લાવીએ અને પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ, હે પરમાત્મન, આગમ વાચનાની જાહેરાત થઈ ત્યારથી અમે એક થોડા ઉત્સાહમાં હતા અને ફોર્મ ભર્યું આગમ વાચનાના દિવસની રાહ જોતા હતા, એ દિવસ આવી ગયો એટલે અમે અમારા પોતપોતાના સ્થાનથી ફરી પાછા અહીંયા આવી ગયા, આ વખતે કયું સૂત્ર, કેટલા જણા છે, કેટલા મહાત્મા છે, કેટલા સાધ્વીજી, અમે બધા બહારના એંગલથી જ વિચારતા હતા કઈ કઈ જગ્યાએથી લોકો આવ્યા છે, બસ એ જ બધું વિચાર કરતા કરતા અમે જરાક વ્યવહારની દુનિયામાં બહાર હતા અને પહેલું સેશન શરૂ થયું શ્રી સ્થાનાંક સૂત્ર ઉપર, ગુરુ ભગવંતે જબરદસ્ત ડેપ્થમાં ક્લેરિફિકેશન સાથે પ્રવચન કર્યું, આગમ વાચનાની શરૂઆત થઈ અને પહેલા જ 50 મિનિટની અંદર અમે ક્લીન બોલ્ડ થઈ ગયા, ગુરુદેવે પહેલી 5 શરત મૂકી, ક્વોલિફિકેશનની વાત જ્યારે આવી, પરમાત્મા આપને સમક્ષ અત્યારે એક ખાલી વાત કરવી છે, કન્ફેશન કરવું છે કે ક્વોલિફિકેશન અમારું છે કે નહીં, માત્ર 2 જણને ખબર છે, એક મને ને એક તમને, આ ક્વોલિફિકેશન આગમ વાચનાની શરૂઆતમાં નહોતું, આગમ વાચનાના અંતમાં એટલો સંકલ્પ લઈને જઉં છું કે ગુરુદેવે જે 5 મુદ્દાનું ક્વોલિફિકેશન કહ્યું હતું, આગમ વાચના સાંભળનાર આટલી ચીજોમાં ક્વોલિફાઈડ હોવો જ જોઈએ,
એ ગુણો મારામાં ઉભા થાય, ફક્ત ઉભા થાય નહીં, ગુણો સ્થિર થાય એવો સંકલ્પ આજે લઈને જઉં છું. હે પરમાત્મન, આ ઉંમરે ગુરુદેવ શાસનની અનેક જવાબદારીઓ લઈને બેઠા હોય છે, એમનો આટલો મોટો પરિવાર તેને સાચવવાની જવાબદારી લઈને બેઠા હોય, શ્રમણ શ્રમણી ભગવાનના યોગોદ્વહન હોય, સંઘનું કામ હોય, ને તે છતાં અમારા માટે થઈ, અમને તો આગમ વાંચવાનો કોઈ કોઈ જ અધિકાર નથી, અને છતાં અમારા માટે થઈ ગુરુદેવ આટલો શ્રમ લેતા હોય, આગમ ગ્રંથોની ગહનતાને એકદમ સરળતામાં રૂપાંતરિત કરીને અમને આપી દેતા હોય. ભગવાન, એક એવો સંકલ્પ લઈને જઉં છું કે આજે ગુરુ ભગવાન પાસેથી જે કાંઈ મળ્યું એ ફક્ત મારી ડાયરીમાં નહીં, મારા હૃદયમાં પણ અંકિત કરવાનો હું યત્કિંચિત પ્રયત્ન કરીશ. એક સંકલ્પ લઈને જઉં છું, જે કોઈ પણ ખોટી મિથ્સ મારા પોતાની ગ્રંથિઓ હતી, જે અહીંયા પ્રવચન મંડપમાં બેઠા બેઠા મારા હૃદયની અંદર, મારા મનની અંદર ક્લિયર થઈ છે એવું મને પોતાને પ્રતીત થયું છે, એને હું મારા મનમાં અને હૃદયમાં સ્થિર કરવાનો પણ પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીશ. કોઈ પણ વ્યવહારના નામે, પ્રેક્ટિકાલિટીના નામે, કોઈ પણ દેખાદેખીના નામે, સમાજના નામે, કોઈ પણ ચાલતી, કોઈ પણ દૂષણો, કોઈ પણ દોષો અમારા હશે એને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવાનું જે પણ ગુરુદેવે સૂચન કર્યું છે, જે પણ અમને ગુરુદેવે ઉપદેશ આપ્યો છે, આગમ વાંચનાના માધ્યમ દ્વારા અમે જે મેળવ્યું છે તે બધું જ કરવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન, હે શાંતિનાથ પ્રભુ, અમે કરશું. આગમ વાંચનાના 6-6 સેશન્સ પૂર્ણ થયા, હવે ફરી પાછા આગમ વાંચનામાં મળશું. ગયા સેશનથી આ સેશનમાં આવ્યા ત્યારે વચ્ચેનો અંતર ખાલી 2-3 કલાકનો હતો, અને હવે આ સેશન પછીથી આવતા આગમ વાંચનાના સેશનની વચ્ચેનો અંતર કદાચ 300 દિવસનો હશે. તો આ 300 દિવસ દરમિયાન આ 6-6 કલાકનું કન્ટેન્ટ ગુરુદેવે જે આપ્યું છે એ કન્ટેન્ટ અમને કન્ટેન્ટ બનાવે, અમને સંતોષી જીવ બનાવે, અમને ઇનફ, સફિશિયન્ટ, નો મોર, આ 3 વર્ડની ત્રિપદી અમારા જીવનમાં આત્મસાત થાય એવી કૃપા પ્રભુ આપના માધ્યમથી થાય એવો સંકલ્પ લઈને જઉં છું. આગમ વાચના ફક્ત કાન સુધી નહીં, હૃદય સુધી લઈ જવાનો સંકલ્પ કરું છું, અને આપના ચરણમાં વંદન કરું છું. કેવી જબરદસ્ત કૃપા અને કરુણા તીર્થંકર પરમાત્મા આપે કરી, આ શ્રમણ સંઘ, ચતુર્વિધ સંઘની સ્થાપના કરી, અને તે પરંપરામાં આચાર્ય ભગવંતો પધાર્યા. સૂરી ભગવંતોની એવી જબરદસ્ત કૃપા અને કરુણા થઈ અમારા જીવનને આ નિતર કોણ સુધારે. ગુરુદેવ, એ આપને, પ્રભુ આપને, દરેકે દરેક ઉપકારીને વંદન કરીએ, વંદન કરીએ, વંદન કરીએ. આવો આવનારી 1 મિનિટ, ફક્ત 60 સેકન્ડ આ ભાવમાં આપણે ભરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આંખ બંધ કરી, શક્ય હોય એટલો હૃદયના ઊંડાણપૂર્વક આ સંકલ્પને દ્રઢ કરીએ અને વંદન કરીએ. કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણો ના સરવાળા, યુગો સુધી જળ હડશે ભુવન ભાનુ નાજ વાળા. કેમ ભૂલીશું, કેમ ભૂલીશું તુજને, ઓ જીન શાસન ના રખવાળા. યુગો સુધી જળ હડશે ભુવન ભાનુ નાજ વાળા, યુગો સુધી જળ હર્ષે ભુવન ભાનુ નાજ. કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણો ના સરવાળા, યુગો સુધી જળ હર્ષે ભુવન ભાનુ નાજ. સર્વમંગલ મંગલમ, સર્વ કલ્યાણ કારણ પ્રધાન, જય પધારેલ સૌને સાધર્મિક ભક્તિનો લાભ આપીને જવા માટે વિનંતી. ભુવન ભાનુ નાજવાળા પદની આપણા પદને જ આપણે
कृष्ण काड़िनी काड़ी रात्रि मां कृष्ण काड़िनी काड़ी रात्रि मां जय जय मान मचावे दैनिक प्रवचन रोजिंदा मुजब सोमवार से शुक्रवार शनिवार दैनिक प्रवचन चालू है रोजिंदा मुजब दैनिक प्रवचन चालू है।